नमस्कार सभी संगीत प्रेमियों को, मेरा नमस्कार। वाद्य संगीत विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रवाह संगीत व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज का व्याख्यान शुरू करने के लिए मैं हमारे संकाय प्रमुख से निवेदन करता हूं कि वे आए और शुभकामना संदेश के साथ आज के व्याख्यान को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रणव उद्धव जी, कितना उत्साह से भरा हुआ है आज का दिन। विगत 11 दिनों से, आज 11वां दिन है शायद, 10 दिनों से हम लोग लगातार तबला के विषय के विविध पक्षों पर बात करते चले आ रहे हैं और विद्वानों से बहुत जानकारी लेते चले आ रहे हैं। ये जानकारी हम लोग अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने लिए और जिज्ञासु जितने भी हमारे हमारे साथ जुड़े रहते हैं उन सभी के जीवन में, संगीत के जीवन में बहुत ही काम आएगी, ऐसी मेरी आशा है। मैं प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी, तबला विषय के विशेषज्ञ हमारे यहाँ, और प्रोफेसर संगीता सिंह जी जो विभागाध्यक्ष हैं वाद्य विभाग की, उनको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ और इस सफलता पूर्वक इस व्याख्यान माला को, लय ताल प्रज्ञा प्रवाह इस व्याख्यान माला को संचालित करने के लिए और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से, यानी एकदम बधा हुआ विषयगत सभी विषयों को लेते हुए आपने जो प्रयास किया है प्रवीण उद्धव जी, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका। वाद्य विभाग जो है, जरूर सभी विद्यार्थी इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे, ये मेरा सपना है। जैसा कि हमें सभी को पता है कि आज हमारा समापन है इस व्याख्यान माला का, और आज हमारे बीच में दो दो विद्वान उपस्थित होंगे, डॉक्टर ब्रिजरानी शर्मा जी और प्रोफेसर नीलू शर्मा जी। आप दोनों ही तबला के विशेषज्ञ हैं और आप दोनों ही के व्याख्यान से, विद्वत्तापूर्ण जो आप व्याख्यान देंगी, आज हम लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। मैं उपस्थित सभी गुणीजनों को, विद्वानों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, हमारे शोध विद्यार्थियों को जो इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और आगे जुड़ने वाले हैं, उन सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं। और वाद्य विभाग के प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी और प्रोफेसर संगीता सिंह जी जो इस कार्यक्रम को लगातार सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उनके इस सफलता, इनको और आगे सफलता मिले और ये इस प्रकार के ये व्याख्यान माला और आयोजित कर पाए हम लोग, इसी आशा के साथ मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि आज दो दो व्याख्यान भी हैं और आगे बांसुरी की आज व्याख्यान माला शुरू हो रही है, पंडित नित्यानंद जी आज हमारे बीच में आने वाले हैं, उनका भी हमें व्याख्यान सुनना है, इसलिए हम लोग सभी ज़्यादा आपका समय न लेकर के मुख्य अतिथि वक्ताओं का हम लोग आज ज़्यादा सुनने के चेष्टा करेंगे। इसी आशा के साथ मैं पुनः बधाई देता हूँ संयोजक को और हमारी आयोजक जो है विभागाध्यक्ष जी प्रवीण उद्धव जी और जितने भी विद्वान बैठे हुए हैं और जिन्होंने 12 दिन तक या 11 दिन तक इसको संचालित करने में हमारा सहयोग किया है, हमारे विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित किया है। ऐसे भी कई विद्वान हैं जो तबला विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन वो प्रतिदिन आके हमारे इस व्याख्यान वाला में हमको गौरवान्वित करते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी, ये सभी व्याख्यान को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनती हैं और अपना बहुत ही सार संक्षेप ये बाद में हम लोग को, कभी कभी हम लोग निवेदन करते हैं तो हम लोग को आप अपना ये आशीर्वाद भी देती हैं। तो ऐसे बहुत से मूर्धन्य विद्वान हैं जो हम लोग को पता नहीं है। हमने कल जाना था
कि पंडित देवू चौधरी जी हमारे सितार के जितने भी व्याख्यान थे वो सुनते थे, वो सामने नहीं आते थे। प्रतीक जी बोले कि प्रतिदिन वो लगा के सबका सुनते थे कि क्या कौन क्या बोल रहा है। तो ये कुछ अदृश्य विद्वान भी हैं जो लगातार सुन रहे हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। पंडित सतीश चंद जी, ऐसे बहुत लोग हैं, पंडित हम लोगों ने गिरीश चंद श्रीवास्तव जी, इन लोग के ऐसे विद्वान हैं जो सुनते हैं लेकिन सामने आने की कोशिश नहीं करते हैं। ये पुराने परंपरा से जुड़े हुए हैं और गहन चिंतन मनन करते रहते हैं अपने विषय पर। मैं पुनः आयोजक संयोजक को बहुत बधाई देता हूँ, आपने 11 दिनों तक ये ज्ञान गंगा जो बहाई है वो हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह जुड़े रहें और हम अच्छे कार्यक्रम और अच्छे ज्ञानवर्धक इसी तरह के व्याख्यान लेके आते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, इस व्याख्यान माला को सफल बनाने में बहुत लोगों का योगदान है। हम पहले व्याख्यान के बाद उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे। बीच में हम हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनको सम्मानित करेंगे। हम अपना पहला व्याख्यान शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि हमको ज्ञात है कि आज का पहला व्याख्यान डॉक्टर ब्रजरानी शर्मा जी का है। आपका जन्म फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ और ब्रजरानी जी एक संगीत प्रेमी परिवार से जुड़ी हुई थी हैं। उनकी माता जी शास्त्रीय संगीत की एक अच्छी कलाकार के रूप में रही हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत तालीम ली है और यही कारण रहा कि उन्होंने संगीत के क्षेत्र में ही अपनी साधना का विषय चुना। और उनकी माताजी गुरुदेव पटवर्धन जी से शिक्षा ली हैं और उसके बाद उनके घर में काफ़ी संगीत के बड़े बड़े विद्वान कलाकारों का आना जाना रहा और इसी संस्कार के कारण ब्रजरानी जी संगीत के क्षेत्र में आई और उनकी विधिवत शिक्षा शुरू हुई। उनकी शिक्षा कानपुर के श्री नथुलाल जी से शुरू हुई। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के तहत उनसे शिक्षा ली और आपने तबले के शिक्षा के साथ साथ पहले सबसे पहले कथक नृत्य से आपकी शिक्षा शुरू हुई थी, फिर गायन और बाद में उनकी तबले की शिक्षा प्रारंभ हुई। ब्रजरानी जी ने संगीत के क्षेत्र की लगभग सभी डिग्रियां ली हैं और उन्होंने काफ़ी कार्यक्रम दिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो उनका पुणे में हुआ था जिसमें उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और विश्वविख्यात पंडित जोशी जी से उनको आशीर्वाद मिला था। ये पुरस्कार उनको भीमसेन जोशी जी के हाथों मिला था। और ब्रजरानी जी एक कुशल शिक्षिका के साथ साथ एक कुशल वादिका भी हैं। उन्होंने पंडित एल के पंडित जी से के साथ और पंडित जया विश्वास जी, पंडित सिंह बंधु जैसे कई महारथी कलाकारों के साथ तबला संगति भी की है। आप के मार्गदर्शन में कई विद्यार्थियों का रिसर्च कार्य पूरा हुआ है और कई विद्यार्थी अभी भी रिसर्च कार्य कर रहे हैं। ब्रजरानी जी के 20 से 25 बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि ये मैं जो लिस्ट देख रहा हूँ उससे लगभग 40 के करीब आर्टिकल छप चुके हैं और हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों में आप विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित की जाती हैं। और हमारे विश्वविद्यालय BHU हो चाहे देश के और भी संगीत के विश्वविद्यालय हैं, सब में आप विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित की जाती हो, चाहे वो एग्जामिनर ग्रुप में हो, चाहे विषय विशेषज्ञ के रूप में हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी के सदस्य के रूप में हो। तो ब्रजरानी जी का बड़ा योगदान है संगीत जगत को। और
जब भी हम उनसे मिलते हैं तो काफ़ी चर्चा होती है। वो तबले के विषय में अपनी व्यक्तिगत बहुत विचार रखती हैं। तो आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो 32 वर्षों से जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर टीकाराम कन्या महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं, वो आज हमारे समक्ष हैं और वो तबले के विविध पहलुओं पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगी और उनके जो अनुभव हैं, उनके जो अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान के जो अनुभव रहे हैं वो आज हमारे साथ साझा करने जा रही हैं। उसके पहले मैं उनको सम्मानित करने के लिए हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और उनको सम्मानित कर हेलो आज हेलो जी मैडम आ रही है आवाज जी। सभी विद्वत जन को आज के इस व्याख्यान माला में मैं सादर प्रणाम करते हुए बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज ये जैसा कि आज यह अनुष्ठान समाप्त की ओर है और हमारे सभी विद्वत जन ने इसमें अपनी जो ज्ञान की गंगा बहाया उसमें हम सब लोगों ने बहुत ही लाभ उठाया। तो मैं विभागाध्यक्ष विदुषी आदरणीय डॉक्टर ब्रजदानी शर्मा जी को मैं हृदय से बहुत प्रणाम करते हुए उनका सादर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और बहुत ही मैडम मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आपसे पहली बार एक ही बार मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस हमारे विभाग में बहुत सारे चीजों में आप मैंने देखा कि आपकी सहभागिता रही है और सेलेक्ट कमिटीज में और भी बहुत, तो ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। मैडम मैं आपको बहुत प्रणाम करते हुए और वाद्य विभाग की ओर से मैं ये सम्मान पत्र वाचन करती हूँ, इसे स्वीकार करें। वाद्य विभाग एवं संगीत मंच कला संकाय BHU द्वारा 28 जून से 8 जुलाई 2020 तक आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रभा व्याख्यान माला में डॉक्टर ब्रजरानी शर्मा जी ने अपने उत्कृष्ट ज्ञान व वक्तव्य से संगीत जिज्ञासुओं को अभिशंसित करें। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है वह आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। और मैं अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि आज दो दो व्याख्यान माला है और एक और सत्र शुरू होगा, तो मैं मंच को उद्धव जी को सौंप रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर ब्रजरानी शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रवीण जी, आवाज आ रही है? जी 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 आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं डीन डॉक्टर प्रोफेसर राजेश शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। संगीता जी जिनका जो इतना स्माइलिंग फेस है कि उसको देखते ही उनसे एक अलग तरह की ऊर्जा आती है शरीर में और शरीर प्रफुल्लित हो उठता है, तो उनके लिए मैं क्या बोलूं, बहुत कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है मैडम आपने, इसके लायक मैं हूं नहीं। और हमारे छोटे भाई प्रवीण उद्धव जी, प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी कितनी मेहनत से लगे हैं ये मैं सोच नहीं सकती हूँ। कई बार तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि कितनी मेहनत दिन रात आप लोग कर रहे हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरी आदरणीय शोभा कुदेशिया जी, पंकज वाला जी, महेंद्र जी सब हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हम सबको देख पा रहे हैं। और अभी अभी मैंने पंकज माला दीदी से बात भी की थी क्योंकि उनके विषय में मैं बाद में बोलूंगी मुझे क्या बोलना है, अभी तो मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो हमें जो विषय मिला है संस्थागत शिक्षण प्रणाली के विविध पक्षों में तबला और उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है, तो हमारे जो वक्तव्य का जो पार्ट है वो दो भागों में है, एक संस्थागत शिक्षण प्रणाली और वहां पर तबला कैसे सिखाया जाता है। तो अक्सर मैं बहुत हम तो बड़ा आम चर्चा करेंगे आपके संग, अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि गुरु शिष्य परंपरा, पार,
पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, बहुत सारी बातें हम एक हफ्ते में, इतने 11 दिन में हमने सुनी। शास्त्र की बात हो गई, घराने की बात हो गई, बंदिशों की बात हो गई, तिहाइयों की बात हो गई, सब तरह की, सब जगह घूम लिया हम लोगों ने तबले में। अब जमीनी हकीकत में आते हैं, जो आज हमारे समक्ष आमने सामने सब दिख रहा होता है। तो शिक्षण संगीत, शिक्षण संस्थाओं के संगीत की अगर हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा नहीं, गुरु महान है, लेकिन हाँ, सीना बसीना फेस टू फेस अगर हम बैठते हैं तो जो शिक्षा हमें मिलती है वही तरीके की शिक्षा है, पारंपरिक शिक्षा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा जो है वो उसमें गुरु नहीं है, तो मैं इस बात को नहीं मानती। वो शिक्षक है, उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण वो उतना तरीके से शिक्षा नहीं दे पाता है, पर वो भी गुरु है और वो गुरु के रूप में ही शिक्षा देता है, ऐसा मेरा अपना विचार, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शिक्षण प्रणाली को हम ये कहते हैं ये पाश्चात्य पद्धति की देन है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में शिक्षण संस्थाओं में संगीत होता था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमारे वैदिक काल में भी गुरुकुल हुआ करते थे, संगीत शालाएं हुआ करती थी, मध्यकाल में राजघरानों में संगीत आया। बहुत शॉर्ट में इसलिए बोलूंगी कि हमें तबले पे आना है, तो कुछ संस्थाओं के नाम मैं आपके समक्ष रखती हूँ। जैसे महाभारत काल में बौद्ध बड़े नगरों में शासन द्वारा संगीत शालाओं का प्रबंध किया जाना, बौद्ध काल में तक्षशिला विद्यालय का प्रमुख केंद्र था, अनेक विषयों के विभाग थे, और वाराणसी बौद्ध काल का एक दूसरा विद्या केंद्र था जिसमें संगीत के अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विभाग स्थापित था। इसके अतिरिक्त नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों में भी गंधर्व का स्वतंत्र निकाय अथवा फैकल्टी थी, जहां विख्यात संगीतज्ञ संगीत की शिक्षा देते थे। वात्स्यायन के काम सूत्र में भी संगीत शालाओं में संगीत शिक्षा के प्रबंध का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार क्रमशः भास के नाटकों में, शूद्रक के मृच्छकटिक नाटक में तथा बाण के हर्ष चरित में राजभवन के अंतर्गत संगीत ग्रह का उल्लेख है। और अगर हम ऐसा बोलें तो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर जी, जिनका सन संवत 1486 से 1516 के बाद किसी राजा का ऐसा कहीं भी हमको प्रमाणित नहीं मिलता कि उन्होंने किसी संस्था, संगीत संस्था खोली। बहुत शॉर्ट में ही मैं समझा रही हूँ, लेकिन अन्य विषयों के जैसे संगीत शिक्षा जो शिक्षण संस्थाओं में आजकल दी जाने लगी है, उसको हम मुख्य रूप से पाश्चात्य की देन ही कहते हैं, क्योंकि पाश्चात्य देशों में पहले से भी संगीत शिक्षा शिक्षण संस्थाओं में ही दी जाती थी। लेकिन राजघराने में संगीत आया, गुरुकुल में संगीत आया। अब हमारे धन्य विद्वान थे, जैसे कि दो चार के नाम मैं लेती हूँ, कि दिगंबर जी थे, विष्णु भातखंडे जी थे, या और भी अनेक क्षेत्र मोहन गोस्वामी जी थे। इन लोगों के मन में एक बड़ी बेचैनी थी कि संगीत जो है वो इतना जो है वो संकुचित हुआ जा रहा है, इसको हम कैसे फैलाएं। तो उस संबंध में कुछ इनके शिष्यों ने जो है बड़ा योगदान दिया और कई संगीत संस्थाएं खुली। उसमें से कुछ विशेष संस्थाओं के मैं नाम आपके सामने रखूंगी और इन महान शास्त्रकारों को, संगीतकारों को याद भी करूंगी। 1871 में कलकत्ता में क्षेत्र मोहन गोस्वामी जी ने एक संगीत विद्यालय की, 1874 में भास्कर राव बाखले ने भारत गायन समाज नामक संस्था की स्थापना की, 1886 में श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा स्थापित विद्यालय में, बाद में जो बड़ौदा स्टेट म्यूजिक स्कूल कहलाया, सन 1901 में पंडित विश्व दिगंबर पलुस्कर द्वारा लाहौर में गांधर महाविद्यालय की स्थापना, 1906 में बनारस में एनी बेसेंट द्वारा थियोसॉफिकल विद्यालय की स्थापना, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा 1918 में ग्वालियर, 1920 में बड़ौदा तथा 1926 में लखनऊ में संगीत विद्यालय की स्थापना, और लगभग इसी समय प्रयाग संगीत समिति की भी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। और 1950 में जो वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के अंतर्गत संगीत विभाग की स्थापना के परिणाम स्वरूप देश के अन्य महाविद्यालयों में भी संगीत विभागों में संगीत शिक्षा के विभाग खोलने की एक होड़ सी लग गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मैंने आपके समक्ष इससे रखा कि इतने बड़े बड़ी संस्थाएं हमारे यहाँ खुली, तो आज के परिवेश में जो हम संगीत की शिक्षण संस्था पाते हैं वो तीन तरह की पाते हैं। एक, जहाँ हम गुरु शिष्य परंपरा से संगीत सिखाते हैं। दूसरा, वो संस्थाएं होती हैं जहाँ पर हम संगीत तो सिखाते हैं पर उसके साथ
गौड़ रूप में अन्य विषयों को भी सिखाते हैं, क्योंकि बड़ी समस्या आती थी कि अगर हम खाली माध्यमा करा दें, कोविड करा दें, या जैसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं तो वहां पर संगीत शिक्षा दी जाती थी, बाद में ये अनुभव हुआ कि ये स्नातक और परास्नातक कैसे करेंगे, आगे कैसे प्रोफेशनल ये बनेंगे, तो वहां पर गौड़ विषयों के रूप में और विषय भी पढ़ाए जाने लगे और ऑनर्स जो है वो म्यूजिक में कराने लगे। तीसरी तरह की जो शिक्षण प्रणाली है जिसके विषय में हम आपके समक्ष बात रखना चाहते हैं, वो जितना हम वेटेज संगीत को देंगे उतना ही वेटेज हम अन्य विषयों को देंगे। उसी को मुख्य रूप से हम शिक्षण संस्थाओं में संगीत जो है उसका स्वरूप कहेंगे। तो हम ये बात कहते हैं कि संगीत शिक्षा संस्थाओं में जो है हम कलाकार नहीं इजाद कर पाते हैं, और इजाद नहीं कर पाते हैं कलाकार, उसमें संगीत शिक्षक के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, हम उनको नहीं ध्यान देते हैं। प्रवीण जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय के लोगों को भी बुलाया है और राज्य विश्वविद्यालय के लोगों को भी बुलाया है, ताकि उनकी कुछ समस्याएं तो आपके समक्ष रखी जा सके, जिन पीड़ाओं को वो सह रहे हैं। प्लीज, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या आती है प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षण। क्या है कि आपके बीएचयू में मैं जाती हूँ, मैंने खुद एंट्रेंस लिया है बच्चों का, तो उनके लिए कम से कम एक डिग्री आवश्यक है, डिप्लोमा वगैरह होना आवश्यक है, और उनका प्रॉपर हम टेस्ट लेते हैं, उसमें हम उनकी ध्वनि है, भाषा है, लय है, गति है, रचनात्मक क्षमता है, उनकी स्मरण शक्ति है, इसके अतिरिक्त उनका बौद्धिक क्या है, क्या वो रचना कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम उनको टेस्ट करते हैं। पर बहुत सारे ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर क्या है कि प्रबंध तंत्र कहता है हमें कि भाई हमें संख्या बढ़ानी है, तो हम ऐसे बच्चों को भी लेते हैं जिन्होंने हाई स्कूल इंटर में तो म्यूजिक सीखा ही नहीं है, सीधे ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं। तो ये एक समस्या शिक्षकों की शॉर्ट में आपके समक्ष रखती हूँ। दूसरी, विद्यार्थियों की संख्या की बात हमने कर दी। पाठ्यक्रम जो इतना भारी भरकम होता है, जिसको कि हमको एक 45 मिनट के पीरियड में पूरा कराना होता है, कई जगह पर क्या है कि हमने अगर एक सेमेस्टर किया तो हमने उनको सिर्फ कायदा सिखाया तबले में, दूसरे सेमेस्टर में पेशकार सिखाया, एक ताल या दो तालों में ही हम ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस है उसमें 10-10, 12-12 ताले हैं और उसमें 5-5, 6-6 डिटेल ताले हैं, तो इस तरह से हमें वो कोर्स कराना होता है। तो शिक्षक जो है बहुत दिमागी तौर से ये सोचता रहता है कि हम कैसे पढ़ाएं, कैसे कोर्स कराएं, तो वो उसी मूलझा रहता है। और कारण क्या होता है कि मूल्यांकन भी हमको उसी लीनियंसी से करना होता है, हाई स्कूल में मार्क्स जुड़ते नहीं है तो बच्चों को सिखाया नहीं जाता। जब हम इतनी लीनियंसी से मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं मूल्यांकन में, क्यों? क्योंकि अगर हमने नंबर नहीं दिया तो आगे हमें स्टूडेंट्स भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादातर कॉलेजों में संख्या इतनी कम होती जा रही है कि संगीत लोप हो जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सबसे बड़ी उसके कारण क्या होता है कि जब संख्या कम होती तो प्रबंधन कहता है वाद्य यंत्र कैसे ठीक करवाएं, हमारे पास पैसा नहीं है, आप इतने वाद्यों को कैसे ठीक करवाने की बात करती हैं हमसे, तो वो भी समस्या आती है। कई कॉलेजों में तो जाइए तो वहां पर पता चला 10 बच्चे तबले में है तो वो ही इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जब उनसे पूछते हैं कि भाई 2 इंस्ट्रूमेंट में आप कैसे क्लास लेती हैं, तो जी थोड़ी थोड़ी देर बजवा लेते हैं, ऐसा भी मैंने लिखा है। और मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों ने इस तरह की पीड़ा सही होगी, क्योंकि संगीत क्या है कि बहुत बड़े बड़े कलाकार हमारे हैं, महान कलाकार हैं जो अपना कला का प्रदर्शन करते हैं, और अगर वो किसी प्रोफेशन में नहीं है तो उनकी जीविका चल जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बहुत साधना की और इस कला के क्षेत्र में पहुंचे, पर वो जीविका चलाना भी उनके लिए दूभर हो जा रहा है। तो रोजगार मतलब कंफर्म नहीं है कि हमें इसमें रोजगार मिलना ही है, तो लोग अक्सर उदासीन हो जाते हैं संगीत के प्रति कि इसको हमें सीखना है बस इसलिए कि हमारी मेरिट बन जाए। और तो ये भी एक समस्या आती है रोजगार की। और एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है जो मैंने अनुभव किया है कि महाविद्यालयों में संगीत जो सिखाता है उसमें तीनों गुण होने आवश्यक है, उसको कलाकार भी होना चाहिए, उसको शास्त्रकार भी होना चाहिए और उसको वाद्यकार भी होना चाहिए। ये तीनों देखिए हमारे इतने महान शास्त्रकार हुए हैं जिनको हमने मूल रूप से शास्त्रकारों के रूप में जाना है वो शास्त्रकार है, जो कलाकार के रूप में जाना है जिनको वो कलाकार है, वाद्यकार के रूप में जाना है यद्यपि वो कला प्रेमी है, वो अगर कलाकार नहीं होंगे तो वो वाद्यकार नहीं हो सकते।
लेकिन हम शिक्षकों से ये आशा की जाती है कि हम मंच में भी बैठें, हम शास्त्र का भी पूरा ज्ञान रखें और बच्चों को विधिवत रूप से सारा शास्त्र पढ़ाएं, उनको नाट्यशास्त्र भी पढ़ाएं, उनको संगीत रत्नाकर भी पढ़ाएं, उनको सारी चीजें हम पढ़ाएं, पाठाक्षर भी पढ़ाएं, दुनिया भर के जो कोर्स की चीजें हैं तो वो भी हमें करना है। अच्छा, कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि भाई देखिए ये उत्सव आ रहा है, जरा सा कोई बंदिश बनाइए और इसको तैयार कीजिए और इसका प्रदर्शन कराइए, तो शिक्षकों के पास एक ये भी समस्या आती है। तो ये बहुत सारी समस्या थी जो हमने आपके समक्ष इसलिए रखना न्याय संगत जरूर था क्योंकि यहाँ पे शिक्षण संस्थाओं की बात हमें करनी थी, तो उनकी दुखती रख को भी छूना आवश्यक था हमारे लिए। अब आती है बात, अब हम जल्दी से आते हैं संगीत विषय की संबंध में, मुख्य रूप से तबले के संबंध। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमको ऐसे बच्चे भी लेने पड़ते हैं जिन्होंने संगीत सीखा ही ना हो, स्वाभाविक है। हम बिल्कुल फ्रेश बच्चा लेते हैं बीए में आके, जब हम फ्रेश बच्चा लेंगे तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि उनको सबसे पहले हमको बैठक सिखानी होती है। कई बार बच्चे इस तरह के आते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और शायद कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि उनके घुटने सामने, उनके पैर पीछे और वो झुक के बैठ के तबला बजा रहे हैं। तो मैं, मुझे सबसे पहले इस बात में, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमसे आशा की जाती है अन्य विषयों की तरह ही हम अपने क्लास में भी 60 और 80 बच्चे लें, प्रैक्टिकल में एटलीस्ट 30 से ऊपर तो हमारे पास बच्चे होने ही चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमें संघर्ष करना पड़ता है, हम लड़ते हैं कि हम ऐसा नहीं संभव है, तो हम फिर उस हिसाब से कम बच्चे भी लेना चाहते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े विद्वानों ने जो पूरी पूरी तालिका बनाई हुई है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोल पाऊंगी, तो उन्होंने बताया है कि एमए में मैक्सिमम 10 बच्चे, 7 बच्चे या 8 बच्चे इतने होने चाहिए, बीए में 16 या 17 बच्चे। तो उन्होंने इस तरह से हवा में ये बातें नहीं कर दी है, हवा में ये सारी तालिकाएं ग्रंथों में नहीं है, वो इस बात को समझते हैं और इसीलिए किया है। पर अफसोस की बात है कि हम लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं और वो चर्चाएं सिर्फ संगीत प्रेमियों के समक्ष करते हैं। हमें ये चर्चाएं प्रबंध तंत्र के समक्ष करना चाहिए, प्रशासन के समक्ष करना चाहिए, ताकि वो संगीत को समझें। और प्रमीर जी, मैं आपको क्या बताऊं, कई विश्वविद्यालयों में तो ऐसा होता है कि एक एक शिक्षक भेज दिया जाता है गायन का, उसे कह दिया जाता है गायन वादन सितार की शिक्षा लो। अब जब हम उनसे कहते हैं कि भाई एमए का एग्जाम है और हमें इनका प्रैक्टिकल कराना है, तो तबले का ही एक्सपर्ट आना चाहिए, वोकल और सितार का कैसे भेज दिया है? तो कहते हैं अरे मैडम ये इसमें आपके संगीत में तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि क्यों आप साइंस में फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए अलग प्रैक्टिकल वाले को भेजते हैं, आयोग से हम अलग अलग विषय के स्पेशलिस्ट चयन किए जाते हैं, तो आप संगीत को इस तरह से क्यों समझते हैं? तो मैं कह रही हूँ कि ये संगीत के अतिरिक्त भी लोगों के समक्ष ये व्याख्यान होने आवश्यक है, ताकि वो समझें कि संगीत कैसा विषय है, संगीत भीड़ में सिखाने का विषय नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब हम आते हैं तबले के विषय में। तो सबसे पहले हमें बच्चों की बैठक में ध्यान देना आवश्यक है, और मैं यहाँ तबला लेके नहीं बैठी हूँ, क्योंकि इतने महान कलाकारों ने आपकी इस व्याख्यान माला में तबला बजाया, और ये तकनीकी जो समस्या आती है उसमें तो मुझे लगता है कि एक से एक महान कलाकार भी बजा रहे हैं हमारे समक्ष, और उनका भी साउंड हम लोगों को क्लियर नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा हम लोग खाली मौखिक रूप से ही वार्ता करते हैं। हस्त साधन की बात आती है, तो हस्त साधन में बायां और दाहिना सबसे ज्यादा समस्या आती है बाएं में। शैक्षिक संस्थाओं में हम इस बात में ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बायां जो हम बजा रहे हैं तो बायां हमें कैसे रखना है, कैसे घुमक उसमें आ सकती है, घसीट कहाँ डालना है, हमें हथेली का प्रयोग करके थाप कहाँ पर देना है, और अनामिका का, मध्यमा का और तर्जनी का किस तरह से हमें प्रयोग करना है, हमें बच्चों को आराम से बताना होगा। सेम इसी तरह दाहिने में भी हमको यही करना होता है कि हमारा अंगूठा जो है वह गजरे के नीचे झुक रहा है, या हमारी मध्यमा जो है वो चिपकी हुई है, दोनों उंगलियां हमारी हल्के से उसमें रखी है कि नहीं, और बाकी वादन शैलियों पर निर्भर करता है हमारी तर्जनी की चाट कैसे निकल रही है। तो इन चीजों पे हमको ध्यान देना है, और हमारी ये कोहनी झुकी ना हो, हमारा गजरा झुका ना हो, हाथ हथेली हमारी झुकी। तो हम बच्चों को, कई बार क्या होता है बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे तबले से आवाज निकले। देखिए बहुत बेसिक बात मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, तब आवाज निकले तो क्या करते हैं, वो अपना हाथ बिगाड़ देते हैं। उस कंडीशन में हमें बच्चों को ये समझाना होना चाहिए कि देखो बेटा आवाज तो निकल आएगी, अपना हाथ का तरीका सही से रखो तबले में, और जब आपका हाथ सही होगा तो आप
तबला बजा पाओगे, उसमें आवाज भी निकलेगी, अन्यथा नहीं निकल पाएगी। ये सारी बातें हैं। इसके अतिरिक्त हम आपके समक्ष कहेंगे, सबसे मुख्य बात आती है अभ्यास। अभ्यास जो है, हम अभ्यास का तरीका नहीं बता पाते। क्या है कि हम बच्चे क्लास में आए, हमने उनसे कहा चलो भाई कायदा सिखाया है हमने आपको, धाती धागे ना धत्रिकट धाती धागे दीना गिना, चलो लहरा शुरू करो और बजाओ। ठीक है, हम 45 मिनट का क्लास लेते हैं तो हम उनको अभ्यास पहले रियाज करके हाथ नहीं गर्म करवा सकते, पर हमें उनको कुछ बोल समूह देना चाहिए जिसमें कि वो घर में जब अभ्यास करें तो उनका हाथ गर्म हो सके। हाथ गर्म हो सके जब हम परीक्षा भी हम लोग देने जाते हैं, हम किसी कलाकार के संग बजाने भी जाते हैं तो हम पहले ग्रीन रूम में थोड़ा हाथ हिलाते हैं ताकि पूरा मूवमेंट हमारे हाथ में हमारी कलाइयों में आ जाए। तो हमें उनको छोटे छोटे बोल समूह देने चाहिए, जैसे कि मैं आपके समक्ष एक बोल रखती हूँ, क्या उसमें हम पूरा तबला बजा लेंगे, है ना, उसका थाप चाट छाई, जैसे धा तिरकिटी तक धा तिरकिटी तक धा तिरकिटी तक धा तिरकिटी तक तक तिरकिटी तक तक तिरकिटी तक तक तिरकिटी तक तक तिरकिटी तक देर तिरकिटी तक देर तिरकिटी तक देर तिरकिटी तक किट तक धा तिरगणे नग धा तिरगणे नग धा तिरगणे नग धा तिरगणे नग धा तिरकिटी तक ता तिरकिटी तक ता तिरकिटी तक ता तक तिरकिटी तक तक तिरकिटी तक तक तिरकिटी तक तक तिरकिटी तक देर तिरकिटी तक देर तिरकिटी तक देर तिरकिटी तक देर तिरकिटी तक धा तिरगणे नग धा तिरगणे नग धा तिरगणे नग धा तिरगणे नग। अब हमें इसको बोलना है कि आप इसको ध्रुत करते जाइए, तो धा तिरकिट तक धा तिरकिट तक धा तिरकिट तक धा तिरकिट तक तक तिरकिट तक तक तिरकिट तक तक तिरकिट तक तक तिरकिट तक दे तिरकिट तक दे तिरकिट तक दे तिरकिट तक दे तिरकिट धा तिरकिट नग धा तिरकिट नग धा तिरकिट नग धा तिरकिट नग धा तिरकिट तक तक तिरकिट तक दे तिरकिट तक धा तिरकिट नग धा तिरकिट तक तक तिरकिट तक दे तिरकिट धा तिरकिट नग। तो हमें उनको कहना कि आप जब घर में रियाज करिए तो आपका आपको इस तरह के थोड़े अभ्यास के बोल आने करिए, उसका रियाज कीजिए घर में बैठ के, और उस स्तर तक जाइए जहां तक आपका हाथ जा सकता है, उसके बाद फिर वो आप विलंबित में आ जाइए। तो ये अभ्यास के तरीके हमको उनको बताना आवश्यक है जिससे कि वो अच्छे से तबला बजा सके और उनका हाथ साफ हो सके। क्या है कि आजकल बड़ी जल्दी में सब रहते हैं, हमारा युवा पीढ़ी जो है, तो विलंबित साधने की प्रथा नहीं है। विलंबित साधना बहुत आवश्यक है, और तबला जो भी ताल वाद्य है वो हमारा संगत का वाद्य है। ये तो सिद्धार्थ खान साहब को हम बहुत उनका उनके चरण स्पर्श करते हैं कि उन्होंने इसको स्वतंत्र वाद्य के रूप में हमारे समक्ष रखा, क्योंकि तमाम बंदिशें जो बनी दिल्ली घराना उन्होंने ईजाद किया, और आज हमने भी वो प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया है जो अन्य तंत्र वाद्यों और गायकों को मिलता है। प्रधान गायन है, तबले का काम तो अनुकरण करना ही था, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से भी हम तबला बजा रहे हैं। तो विलंबित अगर हम नहीं साधेंगे तो हम संगत नहीं कर पाएंगे। देखिए संगत संगत से आती है, ये तो सबको पता है। और महिलाओं की जहां तक बात है तो मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि तबला मर्दाना वाद्य है। संगत का हमें कम, हम महिला कॉलेज में पढ़ाते हैं और संगत का अवसर हम लोगों को कम मिलता है। आज हमारे समक्ष पंकज माला दीदी बैठी हुई है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंकज माला दीदी ने मुझे बहुत सारे अवसर दिए संगत करने। जब मैं खैरा वो चंडीगढ़ गई थी रेफ्रेशर करने, तो जया विश्वास जी के संग उन्होंने बजवाया, अनिल व्यवहार जी के संग मुझे बजवाया, और एक राजबाला जी थी जिनके संग मुझे अचानक उन्होंने कथक के संग बैठने को कह दिया, और मैं बहुत घबरा रही थी, लेकिन पंकज माला दीदी ने मुझे बहुत उत्साहवर्धन किया, क्योंकि वो तो महान शास्त्रकार है, कहीं खड़ी हो जाती है तो वो इतना कमांड है उन्हें। मैं खुले दिल से उनकी बड़ाई करती हूँ, और मैंने प्रत्यक्ष देखा है, और मैं नतमस्तक हूँ उनको। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे लोगों के संग संगत करने का अवसर दिया था। तो ये महिलाओं को ये अवसर कम मिलते हैं, तो छात्राओं को भी कम मिलते हैं, तो संगत में वो कमजोर होती है। तो हमें कहना चाहिए कि वो संगत को साधें, और यही कारण है कि विलंबित कायम रखना, विलंबित को कायम रखना हमें अपने बच्चों को शैक्षिक संस्थाओं में कराना है कि एक ठेके को आपने साध लिया तो उसको लंबा चलाइए। लहरे का ज्ञान नहीं होता है, बच्चे पढ़ंत करना चाहते हैं। देखिए पढ़ंत की स्थिति तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पढ़ंत और रटंत में शिक्षण संस्थाओं में काफी कुछ अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अन्य विषय रटते हैं। जब हम अन्य विषय रटते हैं तो हम कई बार क्या होता है, बच्चों को ये नहीं समझ, हमें बताना होता है लेकिन हम नहीं बताते हैं कि तबला रटने की चीज नहीं है, इसको पढ़ंत करने की चीज है। आप इसको जितना पढ़ेंगे, जितना इसका ताल में अभ्यास करेंगे, पढ़ंत करेंगे, उतना ही आपका ये विषय पढ़ने में आप कमांड रख पाएंगे। क्योंकि हमारी कोई भी ताल की रचना होती है,
वो उसका जो वजन होता है, जो भी रचना है उसका वजन हमें निर्धारित करना है। तो जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हम बजाएंगे, ये निश्चित है। एक दो बंदिशें आपके समक्ष बोलने की, वजन का क्या है? तो जैसे नौ मात्रे में मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एमए किया था, वहां पे बसंत तालती कोर्स में, तो हमारे गुरुजी ने इसका दूसरा ठेका इजाद किया था, तो मैं आज गुरुजी का भी आशीर्वाद लेके वो ठेका आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। दिन तेरे किट तू ना कर ता ना दिन ना दिन तेरे किट तू ना कर ता ना दिन ना दिन तेरे किट तू ना कर ता दिन ना तदे तदे ता धा तेरे किट तक्का तेरे किट धाती ता 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 धा तेरे किट धाती ता ता धा ता धा तेरे किट धाती ता ता धा ता दिन तेरे किट। तो अगर हमने धा और ता के वेट को ठीक से नहीं दिया, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट मैंने मुख्य रूप से बंदिश इसलिए कि इसमें लगा दी है, ठीक है। अब हम बच्चों को क्लास में क्या करते हैं, धा आ अता आ अधा आ अता आ अधा अवग्रह को, तो हमें अगर हम उनको इस तरह से सिखाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे इस बंदिश को, और वेट जब उसका वजन निश्चित तौर से हमें देना होगा तभी हम बोल पाएंगे। इसी तरह एक बंदिश और बोलती हूँ मैं, दिन तेरे किट तू ना कर ता दिन ना करे तदे ता धा तेरे किट का, दूसरी बंदिश बोलती हूँ धागे तेरे किट धा तेरे धागे तेरे किट धा तेरे किट धा तेरे धागे तेरे किट धागे तेरे किट धा तेरे किट धा कते धा धा तेरे किट धा तेरे किट धा कते धा धा तेरे किट धा तेरे किट धा कते धा दिन तेरे किट तू ना कर ता दिन ना धागे तेरे किट धा तेरे धागे तेरे किट धा तेरे किट धा तेरे धागे तेरे किट धा तेरे धागे बंदिशों को एक दो बच्चों की समय कम है तो छोटी छोटी बंदिशें हमने बोला, तीन ताल में मान लीजिए धागे त्रिकट दीना गिना तक धागे त्रिकट दीना गिना धागे त्रिकट दिन धागे त्रिकट दिन धागे धागे ना नागट तक धा त्रिकट तक हमें बच्चों को पढ़न सिखाना पड़ेगा, वेट सिखाना पड़ेगा, यह आवश्यक है। अब बात आती है यही पढ़न के संबंध में ही मैं आपको आती हूँ मैं लयकारी। लयकारी की स्थिति क्या है, साधारण लयकारियां हैं। एक मात्रा लय क्या होता है, जब हम विश्रांति का समय कालमाप घटाते हैं बढ़ाते हैं तो लय निश्चित होती है। ज्यादा विश्रांति देना है तो विलंबित, उसके कम देना है तो मध्य, और उससे कम देना है तो द्रुत। ये हमारे पास इस तरह से विलंबित, मध्य और द्रुत, तीन हमारे पास लय है। लयकारी की बात हम अगर करते हैं तो लयकारी का मतलब क्या होता है, लय की विभिन्न जो हम क्रियाएं करते हैं उसे ही हम लयकारी कहते हैं। जैसे एक मात्रा में तीन मात्रा मैंने बोली, ठीक है, एक मात्रा में तीन मात्रा बोलने के लिए हमें क्या करना होता है, एक मात्रा में तीन वर्णों को रखना होता है और उनका मात्रा काल क्या हो गया, एक बटे तीन, एक बटे तीन, ठीक है। बेसिक से ही चलती हूँ मैं, तो मुझे बच्चों को सिखाना होता है लयकारी में कि अगर हमको त्रिगुण बोलना है तो दुगुण त्रिगुण चौगुण डेढ़ गुण पौन गुण अधगुण, क्या है कि जितनी मात्राएं हम जिसमें रखते हैं उसी के आधार पर हम उस लयकारी का नामकरण भी कर देते हैं ना। तीन मात्रा रखा तो त्रिगुण कह दिया, चार मात्रा का रखा तो चौगुण कह दिया, डेढ़ मात्रा रखा तो डेढ़ गुण कह दिया। अब किसी एक ताल की हम आपको के समक्ष लयकारी रखते हैं, साधारण लयकारी मान लीजिए रूपक ताल की रखते हैं, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना। तो हमें क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो हाथ का जो बैलेंस है उसको भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि वो रट के करते हैं। तो हमें अगर दुगुन था दुगुन तिगुन चौगुन कराना तो हमको उनको ये सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि आप पहले लय साधी है, क्या विलंबित लय साधी है, ती ती ना धी ना धी ना 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 ती ती ना धी ना धी ये तो साधारण लय की बात है। तो उसके लिए हमको उनको सिखाना पड़ेगा मात्राओं में, है ना, एक दो एक दो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन चार। अब आती है क्लिष्ट लयकारियों की बात,
तो क्लिष्टलकारियों में शिक्षण संस्थाओं में क्या, देखिए क्लिष्टलकारियों में हमें क्या करना होता है, अंश की मात्रा और हर की मात्रा, नीचे की मात्रा हर, ऊपर की मात्रा अंश। और मान लीजिए 3/2 की लकारी, तो मतलब क्या हुआ कि 3 मात्रा को हमें 2 मात्रा में बोलना है। तो हम क्या करते हैं, 3 मात्रा को 2 मात्रा में बोलने के लिए अंश और हर, एक अंश के आधार पे 1 मात्रा में मात्रा स्थापित करते हैं और हर की मात्रा के आधार पर हम जो है वो 2 आवर्ती में आता है और 1 अवग्रह, 1 मात्रा में 1 वर्ण, जैसे मान लीजिए धा है तो हमको 1 अवग्रह लगाना पड़ेगा। इस तरह से हम हर की मात्रा के आधार पे उस मात्रा को निर्धारित कर देते हैं, ये हमारा तरीका है। तो अगर हम विद्यालयों की बात करते हैं तो जैसे हमने आड़ की लकारी की, तो हमें क्या करना पड़ता है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1। तो हम क्लास में कैसे सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 1। तो मैं आपको बस छोटा सा ये बताना चाहती हूँ कि देखिए रुकने का मतलब, अवग्रह का मतलब होता है रुकना, वहां पे ठहराव लाना, साउंडलेस हो जाना। पर लयकारी, लयकारी चमत्कारी कलाकारी आप कुछ भी कह दीजिए उसको, कला कौशल, तो वो वाली स्थिति क्या है, उसका स्वरूप ही नष्ट हुआ जा रहा है। हमारे कोर्स में क्या है, शिक्षण संस्थाओं में जी पौन गुण की लयकारी करिए, 3/4 की लयकारी करिए, 5/4 की लयकारी करिए, पर हमें बच्चों को बहुत समस्या आती है। क्यों आती है, क्योंकि हम उनको अवग्रह में जब हम सिखाते हैं, साधना तो अवग्रह के माध्यम से ही पड़ेगा हमें, तो हम उनको स्वरों का उच्चारण कराते हैं, आ ऊ ई इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक ताल के मैं आपको बोलती हूँ, आड़ बोलना है, 1 2 3 ऐसे करके सिखाते हैं। जब भी हमको कैसे सिखाना चाहिए, दे दे धागे तिरकिट तू ना कर ता धागे तिरकिट दी ना दे, इस तरह से हमें। अब हमें स्थान निकालना है, स्वाभाविक है, स्थान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको सम से सम तक देना है तो आड़े में अगर हम बोलते हैं तो हम ठेके को 3 बार बोलेंगे, 2 आवर्ति में फिक्स हो जाता है, सबको पता है। लेकिन अगर हमको उसका स्थान निकालना है, तब भी आप सब बच्चों को पता है कि ठेके की मात्रा बटे लयकारी, इससे हमारा आराम से लयकारी निकल आती है। कि जैसे अभी हमने एक तार बोला तो 4 मात्रा मेरे पास बचती है, तो धिन धिन धागे तिरकिट दे दे धागे तिरकिट तू ना कर ता धागे तिरकिट दे ना दे, इस तरह से हमारी आराम से आड़ आ जाती है। ये तो रही 1 अवग्रह की बात, पर जहां पर 2 अवग्रह 3 अवग्रह या 4 अवग्रह लगना होता है, वहां स्थिति गंभीर हो जाए। अगर हम आड़ का उल्टा बोल दें, 2/3 की लकारी बोल दें, तब हमको कैसे बोलना होता है, 1 2 3 4 हम ऐसे करके सिखाते हैं, 1 2 3 4 तो बच्चा जब उसका अभ्यास करता है तो उसका गला रुंधने लगता है, थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद वो थक जाता है और वो ये भूल जाता है कि हमने 2 अवग्रह बोला या 1 अवग्रह बोला, इस तरह की समस्या आती है उसके पास। इसलिए हम क्लास में मजबूरन क्या करते हैं कि अभ्यास उतना हो नहीं पाता है और अवग्रह जो है वो ए ए ए ए ऊ ई ऐसे करके बोल के जो रुकावट का स्थान है वहां पर भी हम वर्ण बोल देते हैं, वहां पर भी हमारा साउंड जो है वो शांत नहीं रहता। बस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं आपके समक्ष कुछ लकारी रखती भी हूँ। जैसे अगर हमने 2/3 की लकारी कही तो स्वाभाविक है, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, तो मतलब 8 मात्रा को 12 में बोल लेंगे, 10 को 16 15 में बोल लेंगे और 12 को 18 में बोल लेंगे। इस तरह से हम एक ताल को दूसरी अन्य ताल के ठेके में भी बोलते हैं, उस समय क्या होता है, हम उसमें भी हमको लयकारी निकालनी होती, उसी तरह ठेके की मात्रा बटे लयकारी। तो अगर हमने बोला, मान लीजिए हमने 2/3 की लयकारी हमें बोला है, तो मैं आपको 8 मात्रा 12 मात्रा में बोल के सिखाती हूँ, तो हमें कैसे बोलना है, 1 2 3 1 2 अब 8 को 12 में बोलने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 मात्रे का ठेका लगाना होगा और 12 मात्रा बोलना होगा, ठीक है। तो जब हम क्लास में सिखाते हैं तो हम कैसे सिखाते हैं, 1 2 3 4 1 2 तो ये ओ ओ और ए ए को हमें अगर साउंडलेस रखना तभी वो लयकारी पूरी होती है। जैसे कि धा गे ना ती
तो जो साउंड है वो बंद होना चाहिए, है ना। जैसे कि झपताल 10 मात्रों को हमें 15 में बोलना होता है, अब 10 मात्रों को 15 में बोलना है तो ए एक दो ओ ओ ती ई न चा आ रे पा आ चे छे ए ए सा आ ते आ आठ नौ ओ ओ द स ए, इस तरह से 15 में हमने 10 को बोल लिया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसमें अगर हम ऐसे अर्थपूर्ण शब्दों को प्रयोग कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे हम करें धी ई ई ना आ आ, धी ई ई ना आ आ, ती ई ई ना आ आ, धी ई ई ना आ आ धी, हम इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। झपताल को हमने 15 में बोल दिया, अगर हम ऐसे बोल दें धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी, तो इसको साधने के लिए अगर हम ऐसे कुछ शब्द ले लें जो अर्थपूर्ण हो, जैसे कि कोई नाम ले लें या कोई तबले का बोल ले लें। जैसे हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था, जब हम मिलाकारी बोलते थे तो हमको अवग्रह से उन्होंने नहीं सिखाया, जैसे 2/3 की लकारी में आपको ए एक दो ओ ओ, एक इंद्रा दो इंद्रा, तीन इंद्रा चार इंद्रा, एक इंद्रा दो इंद्रा, तीन इंद्रा चार इंद्रा, ए एक दो ओ ओ, तीन चार। अब इसको हमें बोलने में सहूलियत हो गई, क्यों, क्योंकि ना तो मेरी सांस खुली और ना ही हमें अवग्रह लगा के परेशानी हुई। इस तरह से हम अभ्यास कर सकते, साध कर सकते। जब हम इस तरह से साध लेंगे तो हमें ताल बोलने में आसानी हो जाती है। जैसे धी 15 मात्रा में बोलना है तो हम आराम से बिना साउंडलेस, वहां पर रुकना है तो रुक के बोले धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। इसी तरह मान लीजिए अब हम आपको कुवाड़ की लकारी की बात करते हैं, है ना। तो 5/4 5 मात्रा को 4 में बोलना है तो उसमें भी हम इसी तरह का कोई शब्द ले लें, या 3/4 की लकारी मान लीजिए कौन गुण की लकारी, अब हमें क्या करना है 3 मात्रा को 4 मात्रे में बोलना है। तो ए दो तीन, एक दो तीन, एक धादी ना दो धादी ना, तीन धादी ना एक धादी ना दो धादी ना, तीन धादी ना एक धादी ना दो धादी। अब इसको अगर हमने रियाज कर लिया तो हम जब जो ए ए ए का दो ओ ओ ओ ती ई ई न ए ए ए के, देखिए आप खुद बोल के देखिएगा बच्चों, जो भी यहाँ पे हमारे विद्यार्थी बैठे हैं आप खुद इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आपको अभ्यास करने में जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं तो एक तो हम ये दिमाग में नहीं रहता कि हमने कितने अवग्रह लगाए। हमें अवग्रह में दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वो पूरा, अगर हम धाधी ना बोल रहे हैं तो अगर ना छूट जाएगा तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हमने ना नहीं बोला। एक दो तीन, एक दो तीन, एक धादी ना दो धादी ना, तीन धादी ना एक धादी ना। तो ये इस तरह से अगर शिक्षण संस्थाओं में हमें अभ्यास करने का बताया जाए तो हम क्या होता है ए ए ए दो ओ ओ ओ ती ई ई ने ए, कितनी देर हम बोल सकते हैं भाई, अभ्यास हम कितनी देर कर सकते हैं। इस तरह से सिखाया जाता है और आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो मेरा मतलब इसी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए और कोई भी बोल लगाइए बीच में जिससे आपके कंठ को इतना कष्ट ना हो और इतना परेशानी ना हो बोलने में, तो ये भी आवश्यक है। तो इस तरह से अगर हमें बोलना होगा तो हम मान लीजिए 16 मात्रे में हमको स्वाभाविक है 3/4 में, तो हमें 12 को 16 में भी हम बोल सकते हैं, 6 को 8 में भी बोल सकते हैं, 9 को 12 में भी बोल सकते हैं। इस तरह से वो गणितीय आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो 12 को अगर 16 में बोलना है तो हमें क्या करना, एक दो तीन, एक दो तीन, दिन दिन धा के तीर की तू ना बोलते हैं, थोड़ा साउंड गड़बड़ हुआ था, दिन दिन धा के तीर की तू
समक्ष मैंने रखे, वार्ड बोलना है तो एक दो तीन चार, स्थान निकाला तो आठ मात्रे में आ जाएगी। झड़ताल की अगर हमें बोलना होगा तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, हमें बोलना है तो धी ना धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी। तो इसके लिए मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि हमें जो जो मैं स्वरों का प्रयोग करती हूँ, पहले बात तो वहां पे साउंड नहीं होना चाहिए, लयकारी का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है, सौंदर्य समाप्त हो जाता है। और अगर ये प्रथा चलती रही ना तो लयकारी का कोई मतलब नहीं है। हमारे पुराने गुरुओं को कुछ नहीं पता था कुवाड़ क्या होता है, आड़ क्या होता है, गुण क्या होता है, डेढ़ गुण क्या होता है, पर वो लगाते थे, देखो मैं चार में पांच कर रहा हूँ, देखो मैं तीन में चार कर रहा हूँ, देखो मैं दो में तीन कर रहा हूँ, तो और वो ऐसी सटीक लगाते थे। आज हमारे हमने इसको शास्त्रबद्ध कर दिया, पर हमने उसका कलात्मक रूप से स्वरूप बिगाड़ दिया। बड़े बड़े गुणी कलाकार जो हैं उनकी बात तो अलग है, वो तो आराध्य के योग्य है, लेकिन जो शिक्षण संस्थाओं में जो इसका रूप बिगड़ रहा है, तो देखिए आजकल कोरोना की तरह, कुकुरमुत्ते की तरह जो भी समझिए आप, शिक्षण संस्थाएं फैल गई हैं पूरे देश में, और लय नहीं है जिसके पास उसे हमें लय सिखानी पड़ रही है, स्वर नहीं है जिसके पास उसे हमें स्वर सिखाना पड़ रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है संगीत के क्षेत्र में। तो मैं बस ये एक लय के संबंध में मेरा एक ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमारे श्री नथू लाल जी ने हमको जो लयकारियां सिखाई तो बहुत आराम से एक इंद्रा दो, अब तीन में चार कहना, एक दो तीन चार, एक इंद्रा दो इंद्रा तीन इंद्रा चार इंद्रा, ए एक दो ओ ती इन चार, एक इंद्रा दो इंद्रा तीन इंद्रा चार इंद्रा एक। तो अब हम इंद्रा कहेंगे तो इंद्रा पूरा शब्द हमें दिमाग में, हमें वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इंद्रा कहने के लिए द्रा छोड़ दिया या ई छोड़ दिया, पर अवग्रह छोड़ देते हैं तो वो बड़ा घातक सिद्ध हो जाता है, और पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कि हमने यहाँ पर कितना अवग्रह छोड़ा है। तो ये मेरा कुछ अपना व्यक्तिगत सुझाव था जो हमने आपके समक्ष रखा है। एक बात और रखूंगी, क्योंकि तबला जो है, बहुत टाइम हो गया मैं बस खत्म कर रही हूँ, संयम का विषय है। तो क्या होता है कि हम संगत करते हैं, संगत में जो कलाकार है वो विभिन्न तरह की लय दिखाता है, खूब अटखेलियां करता है अपने विषय के साथ, अपनी प्रदर्शन के साथ, तो तबले वाले को कायम रहना जरूरी। उसके लिए हमारे गुरुजी ने एक बात हमको बताई थी कि आप इस तरह से करिए कि अगर आप, एक उदाहरण दूंगी मैं आपके समक्ष, कि चार ताल अगर आप बोल रहे हैं बजा रहे हैं तो चार ताल बजाइए और एक ताल का ठेका मुंह से बोलिए। उससे क्या होता है, हमारी एकाग्रता होती है, हम अपनी एक लय में कायम रहते हैं। जैसे ता ता तिन ता की ता तिन ता ती टे क त ग दी ग न दिन दिन तागे तिर किट तू ना क ता दागे तिर किट दी ना दिन दिन दागे तिर किट तू ना क ता दागे तिर किट दी ना दिन दिन दागे तिर किट तू ना क ता दागे तिर किट दी ना दिन दिन दागे तिर किट तू ना क ता दागे तिर किट दी ना दिन दिन दागे तिर किट तू ना क ता दागे तिर किट दिन दिन दागे तिरकिटतू ना कत्ता दागे तिरकिटी ना दिन दिन दागे तिरकिटतू ना कत्ता दागे तिरकिटी ना दिन दिन दागे तिरकिटतू ना दागे तिरकिटी ना दिन दिन दागे तिरकिटतू ना कत्ता दागे तिरकिटी ना दिन दिन दागे तिरकिटतू ना कत्ता दागे तिरकिटी ना दे। तो ये इसको आप हल्के में मत लीजिए बच्चों, आप अगर इस तरह से साधोगे तो निश्चित तौर से आपका लय का बैलेंस बनेगा। क्योंकि देखिए स्वर वाला अगर एक बार बेसुरा हो जाता है ना तो उसे ठोकर खाई और वो फिर खड़ा हो गया, आगे बढ़ गया, पर अगर वो बेताला हो जाता है तो क्या होता है, वो लुढ़क जाता है, और जब वो लुढ़क जाता है तो जितने यहाँ बैठे हैं जूम में मीटिंग में ये सारे उसको देखने लगते हैं कि अरे वो तो लुढ़क गया है ना। तो अगर ताल वाला लुढ़केगा तो कैसे बात बनेगी, ताल वाले को तो लय वाद्य हम बजा रहे हैं और ताल का काम है अनुशासन में रहना, ताल जो है वो पूरे संगीत को अनुशासित करती है, तो ताल वाले का काम बहुत बड़ा हो जाता है। यही कुछ बातें थी जो हम आपके संग शेयर करना चाहते थे। हमारे बाद भी हमारी एक बहन आने वाली है जो बोलेगी, तो प्रवीण जी अब हम अपना व्याख्यान बंद करें। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति और कॉलेज की स्थितियों पर आपने काफी ने ऑब्जर्वेशन किया है, और मुझे लगता है कि ब्रजरानी जी जो कॉलेजों में जो स्थितियां चल रही हैं, जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा
उनका ये व्याख्यान था, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई भी है, क्योंकि विश्वविद्यालय जो शिक्षा चल रही है उसका जो इस दर्जा है वो तो अभी बहुत हाई लेवल पे चला गया है, चाहे वो बड़ौदा विश्वविद्यालय हो, चाहे वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे भातखंडे संगीत संस्थान हो जहाँ पे, तो वहाँ के जो प्रोफेसर लोग हैं वो तो बहुत ही उच्च इस शिक्षा स्तर को बहुत उच्च लेवल पे लेके चले गए हैं। प्रवीण जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैंने 2 साल एसएनसीएन डिग्री कॉलेज कानपुर में एज ए संगीतकार काम किया। जी जी जी, है ना। उसके बाद मैं पनकी विद्युत परिषद इंटर कॉलेज में मैंने तबले की शिक्षा दी। जी जी। और उसके बाद मैं डिग्री में आई, तो मतलब मैंने तीनों पक्ष देखे हुए हैं, माध्यमिक का भी और संगीतकार के रूप में भी रही हूँ। और अब हम हम समझ गए हम क्या कह रहे हैं ना। आपकी जो समस्या जो है, आपकी जो समस्या है जो आपने उठाई है, देखिए वो सबसे खास बात तो ये है कि हमारे यहाँ 1 से 12वीं तक का कोई कोर्स किसी गायन वादन नृत्य के लिए होता ही नहीं है। हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन की बात हो, चाहे खैरागढ़ विश्वविद्यालय में बात की हो, चाहे बड़ौदा विश्वविद्यालय में बात हो, 4 साल के डिप्लोमा, मतलब 3 साल का या 4 साल का डिप्लोमा की परीक्षा से हम लोग एडमिशन ले लेते हैं। और ये समस्या तो सभी विश्वविद्यालयों में और सभी कॉलेजों में, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में भी एक समान है। और रही बात वो जो 3 साल का जो डिप्लोमा जिस तरह से होता है उसके बारे में भी मुझे लगता है ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट संगीत संस्थान चल रहे हैं उनकी जो स्थिति है उसमें से काफ़ी संगीत संस्थान कुछ अच्छे भी हैं, तो काफ़ी जगह परीक्षा का स्तर हम सब लोग जानते हैं, उससे हम अछूते नहीं हैं। तो जो एडमिशन होता है वो सभी संस्थाओं में एक समान ही होता है, कि मतलब उसमें स्थितियां सब ऐसी आती हैं कि हिंदी में एमए करने वाला तो 1 से 12वीं तक हिंदी भी पढ़ा है, बीए में भी हिंदी पढ़ा है, मतलब प्रथम एक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान सबके संस्कार दिए जाते हैं, और संगीत के संस्कार ही नहीं दिए जाते। मुझे लग रहा है आप शायद इसी बात का जिक्र कर रही होंगी। और फिर भी जो आपने बहुत सारी बातें जैसे लयकारी के ऊपर उठाई, बहुत सारी बातें आपने, मुझे लग रहा है कि जो युवा तबला अध्यापक हैं उनके लिए भी आपने बहुत सारे टिप्स दिए, और विद्यार्थियों को भी क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या चीज वो रखनी चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी विस्तृत चर्चा की। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी शिक्षाप्रद रहा होगा जो अभी अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े हैं और उनको क्या क्या करना चाहिए। और हमारी विश्वविद्यालयीन शिक्षा जो पद्धति है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत हाई लेवल पे हम लोग जा चुके हैं, और विश्वविद्यालयीन शिक्षा पद्धति में बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि हम वर्कशॉप आयोजित करते हैं और बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते हैं, और हम जितने भी हमारे, चाहे प्रोफेसर मुकुंद भाले जी हों, प्रोफेसर किरण देश पांडे जी हों, मनोज मिश्रा जी हों, गौरांग भावसार जी हों, अजय अष्टपुत्र जी हों, पार्थ चक्रवर्ती जी हों, हम लोगों को 20-20 साल का जो एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस हो गया है, जिसमें आप भी शामिल हैं, इस नीलू शर्मा जी शामिल हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ ये स्थिति इतनी खराब नहीं है, चाहे वो लयकारी को कहने की बात हो, चाहे वो हाथ के रखने की पद्धति की बात हो। और हमें खुशी है कि आज हमारे ही विश्वविद्यालय हो, चाहे देश के और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के ही पढ़े विद्यार्थी आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अच्छे रूप से कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने जो अपने व्याख्यान में बहुत सारी बातें कहीं, वो जो प्राइवेट लोग स्तर पर जो शिक्षण कर आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी थी, और जो शिक्षण संस्थाएं प्राइवेट रूप से खुली हुई हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी थी, क्योंकि वो यदि अपनी शिक्षण पद्धति को सुधारेंगे नहीं तो वो समस्याएं विश्वविद्यालय के स्तर पर जाती हैं, और फिर हम लोगों को उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि एक बीए में हिंदी का 12 साल तक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, अंग्रेजी और भी विषय को पढ़ा हुआ आया, और एक सिर्फ 3 साल में डिप्लोमा करके, और वो डिप्लोमा का भी किस तरीके से करके आया वो भी एक अलग विषय है। तो समस्याएं ये वास्तव में आती हैं, चाहे किसी विश्वविद्यालय में है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे स्तर तक इसके ऊपर काम भी हुआ है, मुझे लगता है सभी विश्वविद्यालयों में।
क्योंकि मैं लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जाता हूँ और कॉलेजों में जरूर मैं परीक्षा लेने अभी तक बहुत कम जा पाया हूँ, लेकिन मैं विश्वविद्यालयों में जाता हूँ और वहाँ पे जो स्तर है वो काफ़ी अच्छे स्तर पे आ गया है। लेकिन फिर भी जो बेसिक शिक्षा की ज़रूरत है, जितना जहाँ ज़रूरी है परिवर्तन करने की ज़रूरत है, वो आपकी सारी बातें बहुत ही उपयोगी है और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है। इसके ऊपर भी एक परिसंवाद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये शिक्षा क्यों प्राथमिक स्तर से ज़रूरी है, संगीत की शिक्षा। नहीं तो कई बार क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा में सीखने वाले लोग जो बचपन से अपने बच्चों को किसी गुरु के पास भेज देते हैं, और एक वो बच्चे होते हैं जो 20-21 साल की उम्र में बीए एम ए करने के लिए डायरेक्ट छोटी छोटी डिग्रियों के आधार पर अपने विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं, तो ये समस्याएं वास्तव में बहुत ज़्यादा उभर के आ जाती हैं। और इसी कारण से संस्थागत शिक्षण प्रणाली कई मामलों में इस वजह से सफल नहीं हो पाती है। लेकिन इससे हम जूझते हुए भी हम लोगों ने बहुत सफलता प्राप्त की है। हमारे देश की सब संस्थागत शिक्षण प्रणाली के यदि हम डाटा कलेक्शन करें तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार अभी पिछले दशक में हमने संस्थागत शिक्षण प्रणाली से दिए हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत उपयोगी और बहुत एक विचारणीय बात थी, क्योंकि ये पूरे देश की समस्या है। माध्यमिक शिक्षा में क्यों संगीत अनिवार्य है, प्राथमिक जगत में क्यों शिक्षा अनिवार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ दीदी। रमी जी, आपको बहुत बहुत आभार। और मेरे सामने गौरांग बहुत सर बैठा हुआ है, जय भी बैठा हुआ है, और बहुत सारे मेरे जय जी को तो मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ, और सबको मेरा मेरी शुभकामनाएं आशीर्वाद, और बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद। अब हम ये जो व्याख्यान माला का जो सफल आयोजन हुआ और उसमें हमारे कई दिग्गज के लोगों का बहुत अभूतपूर्व मुझे सहयोग मिला है, वो देश के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर और हमारे गुणी कलाकार, सब लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत बहुत सहयोग रहा है। मैं लगातार पार्थ जी से, चाहे मनोज जी से, मनीष करवड़े जी से, राहुल स्वर्णकार जी से, डॉक्टर गौरांग भावसार जी से, हमारी ब्रजरानी जी से, नीलू जी से लगातार मैं संपर्क रखता था, और वो लोगों का खूब मुझे हर तरह का समर्थन प्राप्त हुआ है, चाहे वो वसुधा सक्सेना जी हो, रेणु जौहरी जी हो, और हमारे पंडित विजय शंकर मिश्रा जी हो, सभी लोगों ने बहुत हृदय से हम लोगों को सहयोग प्रदान किया है। और मैं दो दो शब्द आशीर्वचन के लिए मैं हमारे मनोज मिश्रा जी को निमंत्रित करता हूँ। दो शब्द उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे जरूर मुझे आमंत्रित करना, तो मैं उनको बहुत सम्मान के साथ हमारे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आपके उधर से साउंड को देख लीजिए, थोड़ा सा इधर से चालू है, ये बंद हो गया, अब फिर से करिए। हाँ जी, अब एक बार तार को चेक कर लीजिए मनोज जी, आ नहीं रहा है साउंड। उधर देख तो कारण क्या समझ में मनोज जी, देखते हैं एक आपका शायद वो नेटवर्क की समस्या हो सकती है, हम फिर आपके पास फिर से आते हैं। मैं प्रोफेसर गौरांग भावसार जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते सबको, मैं सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी जी, स्वागत है, स्वागत है। पहले तो सबसे पहले प्रवीण जी को क्या कितना धन्यवाद दूं पता नहीं, इतना धन्यवाद करूं पता नहीं, बहुत ही बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस तरह के
किसी भी प्रकार का कार्यक्रम अगर आप आयोजित करते हैं तो उसमें आप मेरा नाम तो जरूर लिख ही दीजिए। कोई भी प्रकार का काम हो हम बिल्कुल किसी भी प्रकार से आपके साथ जुड़ जाएंगे तुरंत। धन्यवाद। दूसरी बात कि मैं राजेश जी का भी बहुत आभारी हूँ क्योंकि वो संकाय के अध्यक्ष है तो कई सारी चीजों में उनका भी सहयोग रहता है। फिर संगीता जी का भी रहता है इतना सहयोग कि वो वाद्य विभाग की यानी इंस्ट्रूमेंटल विभाग की हेड है तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये जो हमारे पदाधिकारी है उनके उनके बिना उनके सहयोग के बिना हमारा काम बड़ा मुश्किल होता है तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों से एक चीज और पूछना चाहता हूँ, सब लोग हाथ अपना ऊंचा करके मुझे कहिएगा, समर्थन दीजिएगा वो कि प्रवीण जी ने इतना सारा काम किया यहाँ लेकिन उनका लेक्चर नहीं हुआ है, उनका लेक्चर होना चाहिए कि नहीं बताइए। बस ठीक बात है, बस तो अब 15 तारीख को आप सब लोग 6:30 बजे एमएस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ तबला और हमारी जो यूनिवर्सिटी की ओर से उनका लेक्चर 15 तारीख को 6:30 बजे रखा गया है। उसकी लिंक, उसका फेसबुक लिंक वगैरह मैं भेज दूंगा, साथ में अपने मनोज मिश्रा जी भी होंगे। और सब्जेक्ट भी ऐसा रखा गया है कि आज जो पूरे 12 दिनों में जो काम हुआ है वो 12 दिनों का काम मनोज जी और प्रवीण जी वो दोनों उसका अर्क उस दिन देंगे कि क्या निकला है निष्कर्ष, तो वो पूरा वो होगा उस दिन। तो अब हम लोग 15 तारीख को, आप सब लोग जितने भी यहाँ हैं सब लोग 15 तारीख को जुड़ेंगे मनोज जी और प्रवीण जी के लिए, ठीक है। और मैं ब्रिज रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए ऐसे जो सही में आज हमें उस विषय पर सोचना भी चाहिए। और दूसरी एक बात ये भी बताना चाहूंगा प्रवीण जी के साथ कि बहुत सारे लोग हम यहाँ संस्था में बुला रहे हैं बड़े बड़े गुरुओं को, आज बड़े बड़े गुरुओं के पास हमारे बच्चे सीखने के लिए जाते हैं और वो बच्चों को वो गुरु तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी तालीम के कारण ऐसा। जी, 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 तो मैं फिर से सब जितने भी यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ और जितने भी रिसोर्स पर्सन आके उन्होंने यहाँ दिया इतना मार्गदर्शन दिया उनको भी सारे धन्यवाद और प्रवीण जी को खूब सारा धन्यवाद, खूब सारा धन्यवाद, खूब सारा धन्यवाद। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज जी नहीं आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, देखिए मोबाइल का साउंड तो नहीं कम हो गया पीछे से। हम मनोज जी हमसे जुड़े हैं उस हम पंडित अच्युतराम भंडारी जी की जी के साथ जुड़ेंगे जी। भंडारी जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है जी। जी नमस्कार प्रवीण सर, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, और बहुत आभार प्रकट करता हूँ राजेश सर को, अंजलि जी को और संगीता मैडम को, सबको। ये तो बहुत ज्ञान वर्धक कार्यक्रम रहा सर, और मैं चाहता हूँ समय समय पर ऐसे कार्यक्रम सेमिनार आयोजन हो जाए तो ये विद्यार्थियों के लिए और हमारे लिए भी सबके लिए बढ़िया रहेगा सर। आज तो ये जो कोविड का जो समस्या है तो थोड़ा इसी समय में इस टाइप का जो कार्यक्रम तो सबके लिए प्रॉफिट हो जाएगा मेरे ख्याल में। जैसे आज जो वायलिन का जो हमारे इंद्रदीप घोष जी ने ये अंतर्मन को छुआ, इतना बढ़िया जो प्रकाश किया जो वायलिन का जो टेक्निकल चीजें और शास्त्रीय चीजें प्रैक्टिकल ये सब को बढ़िया एक्सप्लेन किया है। और जो अभी मैडम वो ब्रजरानी मैडम ने भी बहुत बढ़िया जो 2/3, 3/4 ये सब लय कार्यों का आज का जो शिक्षण संस्थान में कैसे जो शिक्षा दे रही है तो इस तरह थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए इस विषय में भी। तो मैं तो चाहता हूँ सर
सभी लोग को प्रणाम। और इस टाइप का कार्यक्रम अनिवार्य से होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज जी, नहीं आ रहा है साउंड, नहीं पता कुछ वो हो गई है, दिक्कत हो गई है मुझे लग रहा है। ये कोई भी कार्यक्रम हो और वो उसमें काफी लोगों का सहयोग रहता है, उसके बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। और ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है बहुत से लोगों का हमारे पास, हमारे साथ सहयोग रहा है, जिसमें मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला महाविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उनका मैं विशेष धन्यवाद और आभार करता हूँ। क्योंकि अंजलि जी ने सिर्फ तबले के ही व्याख्यानमाला में नहीं, हमारे सितार के व्याख्यानमाला में, हमारे संकाय में होने वाले चाहे वेबिनार हो चाहे सेमिनार हो, सभी व्याख्यानमालाओं में उनका अभूतपूर्व हमारे साथ सहयोग रहा है। तो अभी हम उनको बुलाएंगे। और हमारे आशीष कुमार मिश्रा, हमारे दीपक त्रिपाठी जी से हमेशा बात होती थी। प्रज्ञा प्रवाह का प्रज्ञा शब्द जो है उन्हीं का देन है। हमारे चंदन विश्वकर्मा, ये हमारे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं राम लक्ष्मण, जो मेरे दो अनमोल रतन, एक राम एक लखन का जो गाना है वो इन दोनों के ऊपर फिट होता है। दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर है भगवान की कृपा से, दीपक त्रिपाठी जी और चंदन विश्वकर्मा, दोनों ने हमेशा से जब भी मैं कोई बात तुरंत उसी समय फोन उठा के और मुझे सहयोग प्रदान करते हैं। तो सही में एकदम सर की आवाज आ रही शायद, हाँ उनको। और उसी प्रकार मैं स्क्रीन पे दिखाना आशीष जी से कहूंगा कि शुभम मिश्रा जी को, शुभम चौहान जी को करिए। शुभम चौहान ने मुझे बहुत, ये एक बहुत प्रतिभावान छात्र हैं, इनको आंख से बहुत कम दिखता है और उसके बाद भी इन्होंने मेरे इस व्याख्यानमाला में बहुत सहयोग प्रदान किया है। मैं रात दिन इनको परेशान करता था बहुत से चीजों को लेकर, उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया है। उसी प्रकार हमारे अभिनव वर्मा, हमारे कलित त्रिपाठी, ये लगातार अपने लैपटॉप और अपना नेटवर्क, क्योंकि मेरा नेटवर्क, मेरा ब्रॉडबैंड होते होने के बावजूद भी उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना होता था। तो कई व्याख्यान इन लोगों के लैपटॉप से हुए हैं। तो मैं इन लोगों का बहुत हृदय से आभारी हूँ। नवीन चंद्र बादल जो मेरे सीनियर शागिर्द हैं, नवीन चंद्र बादल, संदीप कुमार पटेल, ज्ञान सिंह पटेल, प्रभाकर पांडे, इन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बहुत सहयोग प्रदान किया है। और हमारे यहाँ के, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जितने पूर्व छात्र हैं, परशुराम पौड़ेल और डिम्पल सिंह, अजय कुमार शर्मा, महेश बिरला, सुमंत कुमार चौहान, ये सुमंत, इन लोगों ने लगातार संपर्क रख के, और ये लिस्ट इतनी बड़ी है क्योंकि हमको दूसरा व्याख्यान भी शुरू करना है, तो ये लिस्ट इतनी बड़ी है। मेरे साथ कम से कम इस विश्वविद्यालय के जितने पूर्व छात्र हैं वो उनकी संख्या ही कम से कम 100 के लगभग है। कई तो अपने गांव में, कोरोना की वजह से गांव में होने की वजह से नेटवर्क नहीं है। देखिए परशुराम पौड़े जी है, इनका भी खूब सहयोग रहा है। आप त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इसी प्रकार हमारे 100-150 विद्यार्थियों का पूरा सहयोग, जो कि पूर्व छात्र हैं, और इनको देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे जरूर पूर्व छात्र सम्मेलन कराना होगा आगे। और जो वर्तमान जितने हमारे BMS करने वाले छात्र हैं उनको भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने भी बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया है। मैं देश के सभी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अंत में जरूर उनके लिए दो दो शब्द में धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। मैं अभी हमारे इस अभूतपूर्व जो योगदान दिया है उसमें सर्वप्रथम मैं अंजलि जी को बुलाना चाहता हूँ। अंजलि शर्मा जी, अंजलि जी एक मिनट सर को,
सर अंजलि जी नेट का हाँ अभी 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 जुड़ेंगी वो, थोड़ा उनके घर में प्रॉब्लम वही नेट की है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है जुड़ रही हैं, जुड़ रही हैं। हम जुड़ रही हैं। अच्छा अच्छा तो हम बहुत प्रसन्न हैं कि इतने दिनों तक लगातार व्याख्यान माला में सभी देश के सभी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से सब लोग जुड़े और उनको हम लोगों ने हृदय से आमंत्रित किया था और प्रतिदिन हमारे साथ पंडित केशव तेलगांवकर जी भी जुड़े हुए हैं, मैडम उनिता जी जुड़ी हुई हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महेंद्र शर्मा जी रोज राइट टाइम से आ जाते थे और उन्होंने हमारे कई निवेदन को स्वीकार भी किया है, तो और वो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैडम उनिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी लोग जुड़े, हमारे मनीष करवड़े जी रोज हमारे साथ थे, आज भी हैं, और राहुल स्वर्णकार जी उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्थ चक्रवर्ती जी रोज समय निकाल के, मुझे पता है वो विभागाध्यक्ष हैं और खैरागढ़ विश्वविद्यालय जिससे कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो धन्यवाद राहुल जी। पार्थ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने अत्यंत व्यस्ततम समय, मुझे पता था कि उनको काफ़ी उनके ऊपर कार्यभार है, उसके बाद भी उन्होंने जुड़े और वो अकेले ही नहीं जुड़े, वो हमारे परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े जो अब उनका परिवार हो गया है, तो ऐसे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ज्ञान सिंह पटेल और सबको बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता हूँ मैं। हाँ हरिओम, जो हमारे हमारे शागिर्द हैं, हमारे छात्र रहे हैं और अभी अपनी सेवाएं खैरागढ़ विश्वविद्यालय में दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं देख लेता था कि वो वहाँ का विश्वविद्यालय का कार्य भी कर रहे होते थे और हम लोगों के साथ जुड़े हुए भी होते थे, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्ञान सिंह पटेल और सब लोग बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद सबका। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत ज़रूरी है जुड़ना, मैं क्योंकि इतिहास है, ये देश एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय रहा है और वो जब प्रदेश बटे तभी राजा मानसिंह तोमर आया, तो हमारे लिए बड़ी खुशी है कि मनीष करवड़े जी भी इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोगों के साथ जुड़े। और सभी मैं एक बार फिर से मनोज जी के पास कोशिश करता हूँ, कभी उनका नेटवर्क प्रॉब्लम दूर हो गया हो तो हम लोग। हाँ डॉक्टर साहब साउंड आ रहा है, पता नहीं क्यों साउंड नहीं आ रहा है आज, आज क्या रूठा हुआ है लगता है, ईयरफोन की कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ईयरफोन बदल के देखिए, बिटिया से कहिए थोड़ा चेक करें। मैं डॉक्टर सोना खुटिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो खुद भी व्याख्यान मल्ला भी चला रही, उसके बाद भी व्यस्ततम समय में से हमारे लिए हर रोज आप आती थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रोफेसर बी बालाजी सर को, उन्होंने समय समय पे हम लोगों को मार्गदर्शन भी किया है और समय निकाल के वो आए भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अंजलि शर्मा जी का, ये अंजलि शर्मा जी हैं, मैं इनके लिए क्या शब्द बोलूं, ये छात्रा, ये जब हमारे विश्व विभाग की छात्रा रही जब से आज तक इनका जो योगदान है उसको उसको भुलाया नहीं जा सकता, छात्र जीवन से और आज भी आज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं, लेकिन वैसा ही संबंध हमारे विभाग से रखती हैं। और ये लोगों का सानिध्य मुझे हमेशा मिल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आगे भी आप लोगों के आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ और इसी तरीके से निरंतर मेरा मार्ग प्रदर्शन करते रहिएगा और हमेशा और भी मेहनत करने के लिए प्रयासरत रहूंगी। सर ये जो संस्कार है, आपके पारिवारिक संस्कार है, आपके गुरु से मिले हुए जो संस्कार है, हम बहुत बहुत प्रसन्न है इस बात से कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बावजूद भी जो आप डाउन टू अर्थ रहती हैं और सुबह से शाम तक हमारे संकाय का कोई भी विभाग हो, चाहे हमारे वाद्य विभाग के तो हर विषय का हो रहा था,
और वो पूरे समय तक जुड़े रहना, क्योंकि होस्ट के रूप में अंजलि जी रहती थी, क्योंकि हम लोगों का नेटवर्क पे कोई भरोसा नहीं रहता था, तो पूरे समय देना यानी एक दिन पूरा देना, यानी हमारे 11 दिन तक जो चली है व्याख्यान माला, तो 11 ही दिन तक सिर्फ तबले के लिए ही नहीं, बांसुरी के लिए, वायलिन के लिए, सितार के लिए, और अभी गाने का और संगीत शास्त्र का, सारे व्याख्यान मालाओं में आपका जो अभूतपूर्व योगदान है, तो मैं हम लोगों के भाव हैं, मैं संगीता सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो इनको सम्मानित करें, इनके सम्मान में एक सम्मान पत्र वाचित करें। ये हम बहुत गौरवान्वित होंगे, हमारे विश्वविद्यालय की छात्रा, गोल्ड मेडल छात्रा है और एक अच्छी परफॉर्मर है सितार की, तो हम प्रोफेसर संगीता सिंह जी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद हमेशा चाहिए। हेलो अंजलि, आशीर्वाद तो हमेशा ही रहेगा पे, लेकिन आपने जो ये इतना हम लोगों के साथ जो इतने महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है, इससे जो है वाद्य विभाग आपको एक, मैं बहुत ही आपके प्रति क्या बोलूं, मैं आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन आप महिला महाविद्यालय में आप कर रहे थे इस नाते आपको मैं ये सम्मान पत्र देती हूँ, वाचन कर रही हूँ। वाराणसी नगरी की उभरती सितार साधिका, वाद्य विभाग की स्वर्ण पदक द्वारा सम्मानित पूर्व छात्रा डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला महाविद्यालय BHU ने वाद्य विभाग द्वारा आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यान माला को सफल बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस तदर्थ आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि आपका हमेशा सहयोग ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू तो मैम, आप लोगों ने इतना कह दिया कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बस आप लोगों ने इतने बड़े महायज्ञ में मुझे भी एक हिस्सा बनाया, ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि हम जब एक व्याख्यान माला आयोजित कर रहे हैं और उसके लिए हम कितना वो कर रहे हैं, तो इतनी सब सारी व्याख्यान मालाओं को एक साथ हैंडल कर रही थी, तो ये बहुत छोटा मोटा काम नहीं था। और हम जिस और इसी अधिकार के साथ कि जिस तरह से तुम्हारा स्वभाव है, जिस तरह का गाना बजाना है, जिस तरह का नेचर रहा है, इसलिए इसी विश्वास के साथ हम ये एक व्याख्यान माला को करने का निर्णय लिए, क्योंकि हम लोग इसके लिए सब बिल्कुल नए हैं, हमारे लिए सब कुछ काम इतना आसान नहीं है, अभी ये धीरे धीरे ये सब चीजें पकड़ में आई है। तो और एक दिन तो हमने सारे लोगों ने मिलके तुमसे इस चीज की ट्रेनिंग भी ली थी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं हमारी अगली वक्ता प्रोफेसर नीलू शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर नीलू शर्मा जी दयाल बाग जिम्बे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पद पर हैं, और आप की शिक्षा श्री रमन सिंह जी डाकर जी से, श्री लल्लू सिंह जी और श्री सुभांश जी से हुई है। और नीलू जी सिर्फ तबले की ही कलाकार नहीं, आप कथक की भी बहुत अच्छी कलाकार हैं, आपने कथक की भी तालीम उसी स्तर से ली है। श्रीमती काजल शर्मा जी, पंडित अर्जुन शरा जी, पंडित सुरेंद्र सेकिया जी से आपने कथक की तालीम ली है, और आप कथक की तबला और कथक दोनों की कलाकार हैं, और दोनों को आप मंच से प्रदर्शित करती हैं, तो ये खास विशेषता है नीलू जी की। और राष्ट्रीय कथक संस्थान आप हैं, आप संस्कार भारती की मेंबर हैं, आपके कई व्याख्यान हो चुके हैं, हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी आपका व्याख्यान हुआ है, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर सहित कई देश की संस्थाओं में आपका व्याख्यान हुआ है, आपका सम्मान हुआ है, उत्सव आगरा में और कन्या महाविद्यालय बरेली में, ऐसे कई उपयोगी आपके व्याख्यान माला कई वर्षों से होती आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि नीलू जी
प्रभावी आर्टिस्ट है, एक अच्छे अध्यापक के होने के साथ साथ तो आपने आपके प्रदर्शन में पंडित प्रतीक चौधरी जी, उस्ताद ईशा अली खान कई विख्यात कलाकारों के साथ आपने संगत की है, तो मैं ये बीच में मेरा माफी चाहता हूँ, नेटवर्क के चला गया था। मैं रेणु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आज का व्याख्यान प्रारंभ करें। उसके मैं उनका सम्मान हम लोग उनके व्याख्यान के अंत में हम उनका सम्मान करेंगे। और मैं रेणु मुझे लग रहा है नेटवर्क थोड़ी सी समस्या कर रहा है, माफी चाहता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर नीलू शर्मा जी को। जी नीलू जी, जी भैया आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सुन, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर प्रवीण उद्धव जी ने मुझे इस वेबिनार में व्याख्यान माला हेतु आमंत्रित किया। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी की भी आभारी हूँ कि उनके सहयोग से ही ये व्याख्यान माला आयोजित हो पाई। नमस्कार भैया। साथ ही मैं डॉक्टर संगीता सिंह जी की भी आभारी हूँ कि उन सभी ने मुझे सहयोग प्रदान किया कि मैं आज यहाँ पर जो भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं सीखा है, जो भी मुझे कुछ थोड़ा बहुत आता है उसको मैं अपने व्याख्यान में प्रस्तुत करने की एक कोशिश कर रही हूँ। जो भी कुछ मुझे त्रुटि हो जाए तो सभी गुणीजन है, सभी विद्वजन है, उनके सामने मैं तो बहुत छोटी हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और मैं पंडित केशव तलेगांवकर सर से भी आशीर्वाद चाहती हूँ, सभी गुरुजनों से आशीर्वाद चाहती हूँ। सर के निर्देशन में मैंने अपना एमए का कार्य भी किया है। सभी जितने भी विद्वजन कलाकार हैं मैं उन सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं थोड़ा बहुत जो भी कुछ आता है वो मैं प्रस्तुत कर सकूँ यहाँ पर। मेरे को आज डॉक्टर प्रवीण उद्धव जी ने जो विषय दिया है तबला वादन की विस्तार संरचनाओं के संदर्भ में दिया है, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सभी शुरू करूं भैया? आवाज आ पा रही है सभी को? हाँ जी बिल्कुल, अच्छे से आवाज आ रही है, बहुत अच्छे, स्वागत है। हमारे देश की भव्य संस्कृति में संगीत कम है तो सर्वाधिक है। संगीत मानव समाज की कलात्मक उपलब्धियों एवं सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। विचार एवं व्यवहार के इस परिष्कृत रूप का नाम संस्कृति है, जो सत्यम शिवम एवं सुंदरम की त्रिवेणी के रूप में प्रकट होती है। किसी भी जाति अथवा समाज की संस्कृति यदि एक समृद्ध नगरी है तो कला उस त्रिवेणी की एक धारा, सौंदर्य रूपी एक हरा भरा उपवन एवं संगीत के विविध प्रकार उस उपवन के लहलहाते पौधे हैं, जो स्वर की मिट्टी से बीजायित होते हैं और ताल के जल से सिंचित होते हैं और लय की वायु से पल्लवित व पुष्पित होते हैं। संगीत प्रदर्शनात्मक कला है, इसके अंतर्गत गायन वादन एवं नृत्य तीनों ही कलाओं का समावेश है। स्वर व लय इसके दो आधारभूत तत्व हैं। लय का प्रदर्शन घन एवं अवनद्य वाद्यों के माध्यम से किया जाता है
इसलिए इस श्रेणी के वाद्यों को लय एवं ताल वाद्य भी कहते हैं। भारतीय संगीत में पिछले कुछ शताब्दियों से अवनद्य वाद्य तबला ने प्रचार प्रसार की दृष्टि से सर्वाधिक ख्याति अर्जित की है। तबला वाद्य के प्रचलन में आने के बाद से ही तबला वादन सामग्री में क्रमशः विविध वादन प्रकारों का आविर्भाव हुआ। विभिन्न पूर्वज वाद्यों के से भाषा एवं शैलीगत विशेषताओं को आत्मसात कर इस वाद्य ने अपने अनुरूप भाषा साहित्य एवं शैली का विकास किया। विविध वर्णों के सहयोग से वादन हेतु विविध रचनाएं विकसित हुई। इसमें से कुछ पूर्वज वाद्यों से तथा कुछ इस वाद्य की मौलिकता लिए भी हुए थे। संगीत में घराने की परंपरा पूर्व से चली आ रही है। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए तबला वादन में भी 6 घराने विकसित हुए, दिल्ली, अजराणा, लखनऊ, फरुखाबाद, बनारस व पंजाब। रचनाओं को निर्मित एवं वाद्यानुरूप रचनाओं को विकसित करने में इन घरानों ने महती भूमिका का निर्वाह किया है। रचनाओं के विविध प्रकार, प्रस्तुति करने के विविध ढंग, अनेकानेक बंदिशों की निर्मित प्रमुखतया इन सभी घरानों के प्रतिनिधि कलाकारों के माध्यम से प्रचलन में है। प्रत्येक घराने के बोलों व रचनाओं में प्रयोग से अंतर होता है। इनके वादन तकनीकगत वादन विशेषताएं होती हैं, जिसके ज्ञान से ही वादन में स्पष्टता, माधुर्य व प्रवाह होता है। इन्हीं से आवश्यकता अनुसार विभिन्न लयों में प्रदर्शन संभव होता है। जिस प्रकार उपन्यास के लिए कथा वस्तु की आवश्यकता होती है, उस कविता या निबंध के लिए विषय होता है, चित्रकार या शिल्पकार की कला वस्तु के लिए भी विषय होता है, उसी प्रकार तबला वादन के प्रस्तुतिकरण के विषय को भी हम बंदिश कहते हैं। साधारण अर्थों में यदि हम देखें तो रचना को ताल शास्त्र के अनुरूप बांधना ही बंदिश कहलाता है। कोई भी बंदिश ताल में निबद्ध होती है उसको ही हम बंदिश कहते हैं, क्योंकि तबला ताल वाद्य है और इसमें बनाई हुई एक एक बंदिश लय और ताल में परिपूर्ण होती है। लेकिन भाषा को ध्यान मात्रा को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ लय और ताल का मेल रखकर बनाई हुई बंदिशों से ही कला का निर्माण होता है। अब यदि हम इसमें बंदिशों के इस परिप्रेक्ष्य में ये देखें तो संगीत जो गुरुमुखी विद्या है और प्रारंभ से ही इसका प्रचलन गुरु मुख से ही सीख करके प्राप्त किया जाता रहा है, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे तबला हो, चाहे नृत्य, किसी कोई भी हो, हमारा संपूर्ण जो शिक्षण जो चलता है वो हमारा गुरु शिष्य की परंपरा के आधार पर ही चलता है। संगीत कला में तो ये बात हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि कलाकार की जो सृजनात्मक शैली होती है वो गुरु शिष्य परंपरा के रूप में ही हमारे समक्ष आती है और गुरु का प्रतिरूप ही हमारे शिष्य को प्राप्त होता है। इस परंपरा में गुरु सानिध्य में रहकर कला शिक्षण व्यवहारिक रूप से प्रदान कर निष्पादक या परफॉर्मर तैयार किए जाते हैं, परंतु 20वीं शताब्दी से संस्थागत शिक्षण प्रणाली द्वारा इस कला का शिक्षण हो रहा है। संस्थागत शिक्षण का आधार पाठ्यक्रम है जिसकी धुरी शिक्षक है, साथ ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी की शिक्षा प्रक्रिया का क्रम एक से अधिक शिक्षकों के मध्य भी चलता रहता है। निश्चित अवधि में पाठ्यक्रम की पूर्णता हेतु शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। इस आवश्यकता इस बात की है कि तबला वादन हेतु जिन विद्वान कलाकारों ने अथक परिश्रम एवं समर्पण से अनेकानेक बंदिशों की रचनाएं की हैं, इनका महत्व संस्थागत शिक्षण में भी उतना ही होना चाहिए जितना कि गुरु शिष्य परंपरा में होता आया है। तबला वादन में अनेकानेक बंदिशों की रचना हुई, जैसे पेशकार, कायदा, रीला, टुकड़ा, गते इत्यादि। इन बंदिशों के विभिन्न रचना प्रकार प्रत्येक प्रत्येक घराने में प्रचलित है। उस घराने की विशेषताएं उसके वादन में समाहित होती है। भाषा एवं लय की समन्वयात्मक रचनाएं महान तबला वादकों को इस वाद्य की अमूल देन है। विभिन्न वर्णों का संयोजन एवं वादन की तकनीकी इस इनको घराने के आधार पर पृथक बनाती है। अब यदि हम बंदिशों की बात करें तो बंदिशों के दो प्रकार हमारे उसमें प्रचलन में चले आ रहे हैं, विस्तारक्षम रचनाएं एवं अविस्तारशील रचनाएं, जिनको हम पूर्ण संकल्पित रचना भी पंडित सुधीर मयंकर जी ने कह करके संबोधित किया है। पूर्ण संकल्पित रचना मतलब जो पूर्ण से संकल्पित होती है, विस्तारशील रचनाएं जिनका हम विस्तार कर सकते हैं। तो विस्तारशील रचनाओं में पेशकार, कायदा और रीला,
मैंने आज के इसमें प्रमुख रूप से लिया है। कायदे के उसमें पेश सबसे पहले मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ पेशकार के बारे में, कि पेशकार के संदर्भ में क्या क्या विभिन्न विद्वानों का विचार है और किस तरीके से वो पेशकार को देखते हैं और किस प्रकार से उसको प्रयोग में आज के समय में, और जो जब संस्थागत शिक्षण चल रही है उसमें इस परंपरा को किस तरीके से वो कायम रख रहे हैं, यानी उसके शिक्षण को किस प्रकार से कायम रख रहे हैं, क्योंकि ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी बात है कि हम उसके जो हमारा जो उसका जो शुद्ध रूप है उसको भी हम कायम रख सकें। ऐसा कहा जाता है कि तबला और कथक नृत्य या गाना ये सभी परंपरागत रूप से ही जो प्रचलन में रहे हैं वही शुद्ध रूप हमारा संस्थागत शिक्षण में भी यदि कायम रहे तो निश्चित रूप से ही हमारे निष्पादक या परफॉर्मर तैयार हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस संस्थागत शिक्षण में नहीं हो सकते, बस हमको जरूरी इस बात का है कि हमारे जो पूर्वज जो हमारे रहे हैं इस बात के जो हमारे महान कलाकार रहे हैं उन्होंने इनकी जो जिन बंदिशों को देखा है उसी रूप में हम अपने विद्यार्थियों को हस्तांतरित करें, उसी रूप में यदि हम पहुंचाएं तो हम शायद निश्चित रूप से इसका कला रूप हम संस्थागत शिक्षण में भी कायम रख सकेंगे। तबला पेशकार के संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे विवेचन कर देती हूँ। तबला वादन में प्रयुक्त विशिष्ट वादन प्रकारों में पेशकार सर्वप्रथम प्रस्तुत की जाने वाली एक सार रूपी रचना है। वादक की प्रतिभा का प्रथम दृष्टता अनुमान पेशकार द्वारा ही किया जा सकता है। इसके वादन में पाठक्षरों का निकास, उनका व्यवहार, लय का प्रभुत्व, ताल, हाथ की मिठास, तैयारी, सूझबूझ इत्यादि समन्वित जो विशेषताएं होती हैं, उनसे ही मैं ही वादक की जो निपुणता होती है उसका बोध होता है। पेशकार संपूर्ण तबला वादन का अमूर्त प्रस्तुति कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जैसे हम अपनी थीसिस की एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं वही तबला वादन की जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हमारा पेशकार है। समग्र रूप से कलाकार के मस्तिष्क में जन्मी पली व प्रौढ़ हुई वादन परिपक्वता का अनुमान पेशकार के माध्यम से ही होता है। सभी घरानों के वादन में विलंबित लय में प्रायः यह रचना बजाई जाती है। तबले के स्वतंत्र वादन में के प्रचार प्रसार के साथ ही इस रचना का भी वादन प्रयोग वादन प्रकार का भी प्रयोग ऐसा मुझे लगता है प्रारंभ हो गया होगा। जिस प्रकार ध्रुपद धमार में नोम तोम का आलाप, ख्याल में आलाप, तंत्र वाद्यों में आलाप व जोड़, कथक नृत्य में थाट प्रस्तुति या हम उपज जो करते हैं वही स्वतंत्र वादन में पेशकार का हमारा स्थान देखने को मिलता है। पेशकार से वादन का स्वरूप जैसे ही स्पष्ट होता है वैसे आलाप से राग का स्वरूप हमारे स्पष्ट होता है, वैसे पेशकार में हाथ रखते ही पता चल जाता है कि अमुक जो विद्यार्थी है वो किस कलाकार से सीखा हुआ है। तो इसलिए पेशकार को जो भी हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो एक साध रूपी एक राग का जो आलाप है वही हमारा पेशकार है। पेशकार अन्य रचनाओं की तरह हम रटा हुआ नहीं बजा सकते, देखना सुनना परखना और बजाना यह सिद्धांत इसमें अत्यावश्यक होता है। वादन प्रस्तुतिकरण में सभी संबंधित भावों का एक ही स्थान पर प्रयोग होने के कारण तत्कालीन प्रचलित शब्द पेशकार का प्रयोग तबला वादन में किया गया होगा, यही इसके नामकरण का आधार है। पेशकार को पेशकारा कहना भी अधिक उपयुक्त है, जिससे यह तबला वादन की सामग्री माना जाए व अन्य प्रचलित शब्द से इसको अलग समझा जाए। उपलब्ध विभिन्न शब्दकोशों में यदि हम पेशकार का शाब्दिक अर्थ देखें तो अलग अलग शब्दकोशों में इसका अलग अलग शब्द अर्थ मिलता है। किसी दफ्तर का वह कार्यकर्ता जो इस दफ्तर में कागज पत्र अफसर के सामने पेश करके उस पर उसकी आज्ञा लेता है, हाकिम के सामने कागज पत्र पेशकार के उस पर हाकिम की आज्ञा लिखने वाला कर्मचारी, पेश करने या उपस्थित करने वाला व्यक्ति। नंबर दो, उपस्थित हाजिर या सम्मुख, इसका एक अर्थ ये भी बताया गया एक शब्दकोश में। उपयुक्त शाब्दिक अर्थ पर के आधार पर इसका अभिप्राय नंबर एक प्रस्तुत करने वाला, नंबर दो वह कर्मचारी जो हाकिम के सामने कागज प्रस्तुत करे ये समझ सकते हैं। अतः जिस प्रकार हाकिम के सामने मुकदमे की कागज प्रस्तुत करने वाला कर्मचारी पेशकार कहलाता है, उसी प्रकार तबला स्वतंत्र वादन प्रस्तुत करते समय यह बंदिश जिसमें संपूर्ण वादन का सार रूप वादन के प्रारंभ से प्रस्तुत हो सके पेशकार कहलाती है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर ही विद्वानों ने इस बंदिश
बंदिश का आधार रूप तैयार कर इसको पेशकार नाम दिया होगा। पेशकार का अर्थ विवेचन करने वाला भी माना गया है। पेशकार की यदि हम व्याख्या करते हैं तो हमें इस प्रकार मिलती है, ताल ठेके कल्पना सूत्र से बनी हुई और उसके खंड विभाग और उसमें आए हुए स्वर में अक्षरों में नाता रखने वाली तथा खास तौर पर धीमी लय में नाद रेखाकृतियों के नए नए विभिन्न आकृति बंध निर्माण करने वाली विस्तारक्षम रचना पेशकार होती है, ऐसा सुधीर वाइनकर जी ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। पेशकार कायदे की तरह का ही बोल होता है जिसके पलटों के माध्यम से विस्तार होता है और जिसमें दिखाई रिहाई भी होती है। जैसे कायदा के समस्त पेशकार का ठार दुगुण त्रिगुण चौगुण आदि लय में वादन होकर मात्र मध्य लय में इसका लय में होता है, उसकी चाल डगमगाती भी चलती है और उसी में इसकी खूबसूरती भी दिखती है, ऐसा भी एक पुस्तक में हमको देखने को लिखा हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। पेशकार का साधारण अर्थ वादक कलाकार द्वारा निश्चित प्रकार के बोलों द्वारा अपनी कला स्तर की श्रोताओं को सामने प्रस्तुत करने वाला होता है। इसके द्वारा वादक की वादन शैली लय लयकारी निकास विधि तैयारी इत्यादि का प्रदर्शन होता है। यह ठेके का अधिक विकसित रूप है, ऐसा एक विद्वान कलाकार ने अपने पुस्तक में लिखा है। अब यदि अब इसकी विशेषताएं देखें तो हम इस प्रकार से इसकी विशेषताओं को कर सकते हैं। पेशकार रचना में मुख्यतः स्वर में शब्दों का प्रयोग होता है, व्यंजन प्रधान शब्दों का चुनाव वादक की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है, मूल रचना का ढांचा तथा उसका संयोजन ताल तथा उसके ठेके के अनुरूप होता है, क्लिष्ट व विशिष्ट समूह व प्राय विलंबित लय में इसका वादन होता है। सभी प्रकार के बोल समूह जैसे धिन क्र धा तिद गड़ान गड़ान किटतक ती तिगनग गेत्रक तिट तिरकिट इत्यादि का इसमें प्रयोग किया जाता है। विस्तार योग्य ये वादन प्रकार है। स्वतंत्र वादन का अमूर्त प्रस्तुतिकरण अर्थात तबला वादन का सार है। वादन की प्रमुख विशेषताएं पाठाक्षरों का निकास, उनका व्यवहार, लय लयकारियां, हाथ की मिठास, तैयारी इत्यादि सभी का समावेश पेशकार में होता है। पेशकार का सौंदर्य बोध चाल पर आधारित है जिसका भाव गुड़ी जन तथा डगमगाती चाल कहकर के भी करते हैं। दाएं बाएं का संतुलित समन्वय, खाली से पलट कर बोल परिवर्तित करना, प्रत्येक आवृत्ति में अलग अलग ढंग से त्याही बजाकर संपर्क मिलना पेशकार के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। पेशकार जैसा अन्य शब्द स्पर्शबंदी ये वादन प्रारंभ करने से पूर्व वादन शैली की भूमिका तैयार करने के रूप में भी प्रस्तुत करने योग्य होता है। स्पर्शबंदी का प्रचलन पेशकार के पर्याय के रूप में भी किया जाता है, जैसे धिन दागदा धिन दागदा दिता। स्वतंत्र वादन में बजाई जाने वाली योग्य तबले की सभी तालों में पेशकार का वादन संभव है। उपयुक्त वर्णित सभी विशेषताएं पेशकार वादन का आधार है। सभी घरानों में इसका वादन प्रारंभ से किया जाता है। बनारस बाज में भी पूर्व में उठान बजाने की परंपरा है, लेकिन जो जिसको हम ठेके की बाट भी कहते हैं, जैसा कि अपने उसमें लेक्चर में कई बार मैंने पंडित विजय शंकर मिश्र जी से भी सुना है, तो वो उसका भी तरीका एक तरीके से एक जो आलाप की तरीके से प्रयोग होता है उसको हम एक उसका ही प्रकार कह सकते हैं। विस्तार एवं प्रस्तुतिकरण का ढंग, पेशकार एक ऐसी वादन रचना है जिसका विस्तार की कोई निश्चित विधि का निर्धारण नहीं है। पेशकार का सीधा संबंध संपूर्ण वादन क्रम से है, कारण यह है कि इसका स्वरूप सार रूप है, अतः संपूर्ण वादन शैली में जोड़ना इसको आवश्यक होता है। विभिन्न घरानों में पेशकार का वादन अपने अपने ढंग से किया जाता है। शिक्षा क्षेत्र में उन सभी तालों में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है पेशकार वादन करना पृथक पृथक स्तर पर पृथक पृथक रूप से सिखाया जाता है, अतः स्थूल रूप में आवश्यकतानुसार इसके विस्तार को क्रमबद्ध बांधना भी आवश्यक होता है। पेशकार वादन में विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए सर्वप्रथम बंदिश का निर्धारण किया जाता है, तदुपरांत इसका विस्तार पृथक पृथक घरानों में पेशकार की बंदिश के में वर्णों के उन घरानों में जो प्रयुक्त वर्ण है उसके आधार पर किया जाता है। जैसे दिल्ली घराने में दा कर दाते दा तेरे कित दा ते दा दाते दा दा दिन दा, इस तरीके से इसी प्रकार हम धी कृदिंदा धा दिंदा अन्य घरानों में यहाँ से भी प्रारंभ इसको करते हैं,
इसमें एक जो होता है जो खाली से धाग धाते दादा दिंदा दा दिंदा दादा दिंदा लिंग का एक ये भी पेश कर रहे हैं। अब इसको अलग अलग जिस प्रकार से जिस कलाकार की जैसी अपनी निजी शैली होती है, जिस घराने में जो अपनी मौलिकता लिए हुए जो विशेषताएं होती हैं, उस घराने के आधार पर ही पेशकार का वादन किया जाता है। जैसे दिल्ली घराने में यदि हम देखें तो धा प्रदाते धा तिरिकित धा धा इस तरीके का पेशकार। तो कई कई कलाकार ऐसे होते, जैसे मैंने पंडित सुभाष निर्माणी से मैंने तबला वादन जो सीखा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक एक वर्ण को लेते हुए आगे बढ़े हम, है ना, कभी धा प्रदाते धा इस तरीके से हम एक एक वर्ण को, है ना, पहले हम पहला वर्ण उसको ले लें, पहला बोल समूह, दूसरा ले लें, फिर दोनों को मिला करके ले लें, तीसरा ले लें, और उसके बाद हम अंत में इसको दुगुन की लय में करके भी हम इस प्रकार से हम वादन कर सकते हैं पेशकार का। इसी फरुखाबाद यदि हम घराने में देखें तो दा दिंदा इस तरीके के पेशकार का अंग मिलता है। ना तिन ना किड़नग तिन ना तिंग तिना किड़नग इस तरीके का अंग भी हमको देखने के लिए मिलता है। प्रोफेसर मानस दास गुप्ता जी से मैंने कुछ फरुखाबाद घराने के बारे में जब बात की जो दिल्ली शांति निकेतन में थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको वहां पर जो पेशकार रंग की तरीके से जो उस्ताद बजाते थे तो उसका एक अलग ही रंग होता था। तो हम उस पेशकार में अलग अलग हर बोल में खाली के अलग, ये जरूरी नहीं है कि हम चार मात्रा से त्याई लें, दो से लें, ये तो सभी घरानों में है कि हम डेढ़ मात्रा की भी त्याई लगा सकते हैं, दो की भी लगा सकते हैं, तीन की भी लगा सकते हैं, चार की भी लगा सकते हैं, इसका कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। अब ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और मैंने एक और लखनऊ घराने के संबंध में उन्होंने मुझे बताया कि तक ग्रान दा दिंदा दाते इस तरीके के बोल समूह हम लखनऊ घराने में प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें हम दा किट तक दिन ना दाते इस तरीके के बोल समूह का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में मैंने अपना जो निष्कर्ष निकाला या जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा उससे लगा कि ये कलाकार की निजी अपनी शैली होती है जो उस घराने की वादन विशेषताओं पर आधारित होती है। कभी कभी कलाकार अपनी शैलीगत विशेषताओं के आधार पर भी उसको परिवर्तित कर लेता है, तो पेशकार के पलटों में परिवर्तन उस कलाकार की शैली की भी हमको छाप नजर आती है जो उसकी निजी विशेषताएं होती है। पेशकार कायदे का भी आजकल प्रचलन है कि पेशकार बजाते बजाते लास्ट में कायदे पर आ जाना, फिर कायदे के अलग 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 बोल समूह को उसको वो करना, लास्ट में कायदे से उसको समापन करना, त्याई लगा करके उसका समापन करना, जिसका उसका जाकिर हुसैन जी ने भी अपनी कई उसमें किया हुआ है, और कई और कलाकार भी आज के परिप्रेक्ष्य में जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी बजा रहे हैं इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो पहले भी होता आया है, आज भी होता आ रहा है। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये कलाकार की निजी शैली, निजी विशेषता और अपनी स्वयं की मौलिकता, स्वयं की कल्पना शक्ति इस पर निर्भर करता है। तो उसमें मैं अब ऐसे पंजाब घराने में दा दिन ना उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने अपने रिकॉर्डिंग में इस तरीके का भी पेशकार बजाया हुआ है। और अजराणा में मैंने ये दी दिंदा दिन्ना दाते दा दिन्ना तक ग्रान दा दिन्ना दाते दर लय परिष्ट जाति में कभी, तो इस प्रकार का भी पेशकार अजराणा घराने में हमको देखने के लिए मिलता है। तो जहाँ क्योंकि वहाँ पृष्ठ जाति और आड़ और इस तरीके का प्रश्न है तो हमने उसको अजराणा नाम दे दिया, लेकिन धी कृदिन बस धी कृदिंदा बोल समूह वही प्रयुक्त हो रहा है उसके अंतर्गत। तो उस बोल समूह को हमने धी कृदिन दा दिंदा दाते दा दिंदा तक ग्रान दा दिंदा जैसे उस्ताद लोगों ने अपने उसमें निर्धारित किया, तो अजराणा घराने में हमको इस प्रकार का भी पेशकार बजाने को देखने को मिलता है। यदि अब हम अन्य ताले कहें तो पुराने सभी उस्तादों को कहना ये होता है कि जो विभिन्न तालों के जो अन्य तालों के जो रास्ते होते हैं वो तीन ताल से ही गुजर के जाते हैं। तो मुख्य हम जो गुरु शिष्य परंपरा या उसमें जो हम तीन ताल का हम इतना विस्तार और इतना ये सब सीख लेते हैं तो अन्य तालों को उसके खंड के आधार पर हम पेशकार की रचना जैसी आपकी गुरु की शैली जैसा होता है वो जिस प्रकार से बजाए हम आगे उस परंपरा को निर्वाह करते हुए उसमें हम अपनी कल्पना आज के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि इतना साधन बदल गया है हमारे पास कई सारे ऐसे साधन है कि विभिन्न लोगों के हमके रिकॉर्ड और ये सब हम आसानी से सुन सकते हैं। आज हम पूरे देश विदेश से वेबिनार से भी जुड़ रहे हैं, सब चीज जुड़ रहे हैं, तो हम परिवर्तन किसी भी कला में संभव है तो पेशकार में भी हम अपनी कल्पना शक्ति और उसके आधार पर
परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर अवश्य कि संस्थागत शिक्षण में यदि हम इस शैली को अपनाते हुए गुरु के उस विशेषताओं को भी बताएं कि इस घराने में ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, तो विद्यार्थी को ये जानकारी होगी, उसको ये पता चलेगा कि इस घराने में इस विशेषता के साथ पेशकार को बजाया, इसका वादन इस प्रकार से किया जाता है। तो अब मैं दूसरा मेरा इसका बिंदु है तबला वादन में कायदा। तो कायदा तबला वाद्य के वादन प्रकारों में कायदा महत्वपूर्ण है। कायदा जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, कुछ नियमों के बंधन में बंधी हुई एक ऐसी रचना जिसमें तबला शिक्षण में मूलभूत प्रारंभिक विशेषताओं के ज्ञान कराने के बाद, जैसे वाद्य का रखाव, बैठक, हाथ का रखाव व अंगुलियों का संचालन, वर्ण ज्ञान, तालों के ठेके इत्यादि के उपरांत सर्वप्रथम कायदा ही सिखाया जाता है। कायदा तबला वादन में रीढ़ की हड्डी की भांति महत्वपूर्ण होता है। सभी घरानों की वादन शैलियों में कायदा बजाया जाता है। इस वादन प्रकार के माध्यम से शिष्य को ताल, उसकी व्यवस्था व उसके व्यवहार करने का ढंग इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। कायदा सुनियोजित एवं सुनिश्चित व्यंजन प्रदान शब्द या शब्द समूह और उसके पूरक सहायक स्वर में अंतिम शब्दों की बनी हुई विस्तारक्षम खंड बद्ध ताली भरी युक्त तथा तालाकार कला पूर्ण ऐसी रचना है जिसका प्रस्तुतिकरण साधारण मध्य व द्रुत लय में किया जाता है। कायदा के मूल स्वरूप को ही हम बंदिश कहते हैं। अपनी विशेषताओं के आधार पर ही ये बंदिश निर्मित होती है। कायदे के यदि हम शब्द के उसके अशाब्दिक आधार पर या उसके आधार पर यदि हम देखें विचार करें तो अवनद्य वाद्य में तबला का सबसे, जैसा मैंने पहले भी बताया था, महत्वपूर्ण स्थान है। और कायदा शब्द का अर्थ नियम या शास्त्र, कुछ विशेष नियमों का निर्वाह करते हुए तबलों के बोलों से बनने वाली एक ऐसी रचना विशेष को हम कायदा कहते हैं। तबले के कुछ वर्णों को चुनकर तथा उन्हें एक विशेष नियमबद्ध तरीके से विशेषकर ताल की ताली, खाली, मात्रा, संख्या एवं विभागीकरण को ध्यान में रखते हुए कायदा नामक बंदिश की रचना की जाती है। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ को दृष्टिपात करें तो विभिन्न शब्दकोशों में इसका अर्थ इस प्रकार बताया गया। वृद्ध हिंदी शब्दकोश में नियम, ढंग, विधान व क्रम। हिंदी शब्द सागर में कायदा शब्द का अर्थ है नियम, ताल, दस्तूर, रीति, ढंग, विधि, विधान, क्रम, व्यवस्था, व्याकरण तथा प्रारंभिक पुस्तक जिसके द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जाए। मानक हिंदी शब्दकोश में भी इस शब्द का अर्थ बताया है आचरण, व्यवहार आदि के लिए निश्चित किए हुए नियम या विधान, विधि, पढ़ने लिखने के क्षेत्र में किसी विषय की आरंभिक या पहली पुस्तक। नालंदा शब्दकोश में देखें तो कायदा शब्द का अर्थ है विधि, नियम, चाल, दस्तूर, रीति, ढंग, क्रम और व्यवस्था। और उर्दू कोश में यदि हम देखें तो ये कायदा का शब्द का उल्लेख जिसका अर्थ नियम, उसूल, सिद्धांत, नजरिया, विधि, तरीका, बच्चों को पढ़ाने की अलिफ बे की पुस्तक है। संगीत संबंधी शब्द कोशों के अनुसार कायदे का अर्थ एवं स्पष्टीकरण भी अलग अलग है। संगीत भाष्य में यदि एक यावनिक शब्द है जिसका अर्थ नियम है, अर्थात ताल वादन यंत्रों में वादन उपयोगी उन बोलों से है जिसका विस्तार किया जा सके। अरबी भाषा के शब्द कैद से कायदा बना, कुछ निश्चित नियमों के बंधन में रहना ही कायदे से रहना है। यह तबला वादन की विशेष सामग्री है। तबले की शिक्षा कायदे से शुरू होती है और स्वतंत्र वादन में इसका बखूबी के साथ प्रयोग होता है। लय शास्त्र में कायदा का अर्थ काल, नियम, अनुशासन शास्त्र, धर्म इत्यादि से बताया है। विभिन्न शाब्दिक अर्थों पर देखने पर इतना कहा जा सकता है कि कायदा से अभिप्राय तबला वादन में एक नियमबद्ध रचना से है। दूसरा अभिप्राय यह भी समझ सकते हैं कि तबला वादन की वह रचना जिसमें वर्णों का अभ्यास कराया जाए कायदा है। कायदा वादन प्रकार के रूप में तबला वादन के प्रारंभिक समय से ही प्रचलन में है। तबला वाद्य के उन महान कलाकारों ने जिन्होंने प्रारंभिक समय में तबला वादन की वादन शैली को विभिन्न वादन प्रकारों से संयोजा व समृद्ध किया होगा। इस वादन प्रकार को इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर ही सम्मिलित किया गया होगा। इसके विभिन्न अर्थों को इस प्रकार वादन से सम्मिलित किया होगा कि आज ये वादन प्रकार स्वतंत्र वादन का महत्वपूर्ण वादन प्रकार है।
अतः प्रचलित अर्थों के आधार पर कायदा शब्द को इतना तबला वादन में सम्मिलित किया गया है कि इसका वादन स्वरूप को शाब्दिक अर्थ की सार्थकता प्रदान कर विद्वानों ने तैयार किया है। यही कायदे के नामकरण का प्रमुख आधार है। कायदा ठेके का ही परिवर्तित रूप है। ये वादन एवं प्रस्तार विधि के कारण ठेके से भिन्न हो गया है। यद्यपि कायदा शब्द का उल्लेख प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता है, तथापि ताल का गीत के स्वरूप के अनुसार संगत करते समय रंजकता की वृद्धि के लिए स्वविवेक के अनुसार विस्तार स्वरूप में वादन करने का उल्लेख प्राचीन मध्यकालीन ग्रंथों में हमको देखने को मिलता है। प्राचीन काल में आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र तथा मध्य काल के प्रमुख ग्रंथ संगीत रत्नाकर में वर्णित ताल के वादन विधि के परिप्रेक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि ताल के कायदे का स्वरूप प्रारंभ से मध्य काल से ही शुरू हो चुका होगा, क्योंकि उसके जो वर्ण जो अक्षर जो उसकी वही तो कहीं ना कहीं तो कुछ उसका आधार रहा ही होगा। चंदन फारसी होकर उसे बेल कहा जाता था। बेल का नियमबद्ध वेद कहा जाता था। वेद का नियमबद्ध उच्चारण अर्थात कायदा। वादन प्रकार में दो चरण युक्त ताली अंग खाली अंग पाठाक्षरों के ताल की कुल मात्रा के बोल समूह को कायदा कहा जाने लगा होगा ऐसा प्रतीत होता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उस्ताद सिद्धार्थ साहब ने तबला वादन के प्रचलित तरीकों कायदा इत्यादि को प्रचार में लाया तथा तभी से तबला वादन में कायदा नामक शब्द प्रचार में आया। शाब्दिक अर्थ नामकरण के उपरांत यदि हम अलग अलग उसमें विद्वानों में अलग अलग परिभाषाएं इन्होंने दिए बोलों के, वह निश्चित समूह जिनको कायदा कहते हैं, जिनका जिनकी रचना ताल की ताली खाली के अनुसार होती है। किसी ने कहा कि गायन वादन और नृत्य में निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार शब्द स्वर राग ताल और लय को ध्यान में रखते हुए जिसके स्वरूप के विस्तार करने की क्रिया को ही कायदा कहते हैं, ऐसा पंडित गुरुनाथ शिवपूजी जी ने अपनी पुस्तक में कहा है। पंडित विनायक राव बेड़ारकर के अनुसार विशिष्ट बोल गति वक्त जैसे स्वर के अलंकार कर दिखलाते हैं, उसी प्रकार तबले का अलंकार बजाकर उलट सुलट तर्ज बजाकर विस्तार दिखलाना यह अजीब करामात होती है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी इसकी अलग 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 परिभाषाएं दी है। तबला पुराण में पंडित विजय शंकर जी ने भी इसमें कायदे को एक बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। कायदा के साथ एक और शब्द अभिन्नता से जुड़ा है, कानून कायदा। कानून कायदा कानून कायदा का अर्थ है पद्धति, किसी भी कार्य को करने का ढंग सलीका। अंग्रेजी में इसके लिए मेथड शब्द का प्रयोग होता है। कायदे का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में होता है और तबला भी इससे अछूता अस्पर्शित नहीं है। कायदा शब्द की फारसी शब्द के व्याख्या कैद शब्द से हुई है, अतः इसमें कुछ प्रतिबंध और पाबंदियां भी होती हैं। कायदे की शिक्षा विद्यार्थियों को उनके हाथ के रखरखाव और बोलों के निकास के लिए दी जाती है। इसलिए तबला के विद्यार्थियों को संगीत शिक्षा योग्य गुरुओं द्वारा प्रायः कायदे से ही कुछ लोग कायदे से भी अपनी कायदे के वर्ण से जो वर्ण होते हैं उससे भी प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग कायदे की शिक्षा से पूर्ण सबसे पहले तो वर्ण निकास सिखाते हैं, वर्ण के बाद टेका टेके के बाद कायदा बजाते हैं। तबला के वादन के क्षेत्र में कायदा उस रचना को कहते हैं जिसकी गणना तबले के महत्वपूर्ण बोलों से होती है। चूंकि यह तबले का बोल होता है इसमें मात्र तबले के वर्णों का ही प्रयोग होता है और यह तबले के तालों में ही बजाया जाता है। कायदा की रचना समग्र करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि जिस ताल में कायदा हो उस ताल के विभाग और ताली खाली के अनुरूप कायदे का की रचना करनी चाहिए। इसे तीन ताल का कायदे का विस्तार जिसमें प्रयुक्त वर्णों के आधार पर ही किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार में के पलटों का समावेश हो सके, ऐसे वर्णों को हम इसमें लेते हैं और तभी हम कायदे को रचना करते हैं और उसको हम तैयारी से समापन करते हैं। जैसा उस दिन मैंने पंडित अजस्त पुत्र जी का भी भाषण सुना था कि हर कलाकार अपनी शैली के अनुसार, जैसे उन्होंने बताया कि अजराड़ा में कुल्फी लगा लेते हैं, दिल्ली घराने में छोटे छोटे कायदों का भी प्रयोग होता है और इसी प्रकार बनारस घराने में कायदों थोड़े बड़े हो जाते हैं, फरुखाबाद घराने में कायदा एक अलग ढंग से प्रयुक्त होता है, उसमें एक अलग अलग मौलिकता होती है, अलग समावेश होता है,
तो उस वो कायदे की रचना को भी एक दर्शाता है। तो इस प्रकार के कायदे की रचना की जानी चाहिए कि उसका विस्तार हम भली भांति नए तालवाद्य पर ही बजाया जाता है। कायदे का झपटा लाड़ा चार तल रूपक पंचम सवारी सभी तालों में कायदा बजाया जाता है। कायदे के दो भाग होते हैं, पहला भाग ताली का, दूसरा भाग खाली का। ये दोनों भाग ताल के विभाग के विभागों के अनुसार होते हैं और इसे बजाते समय भरी के हिस्से में भी बजाया जाता है। कायदे को हम पलटे के बाद भी हम लगा करके बजा सकते हैं। इनमें ऐसे बोल हो जिसमें हम नाद की भी इसमें गुणवत्ता रहे, लगातार बनी रहे, एक साउंड क्वालिटी भी बनी रहे। कायदा सामान्यतः रूप से ठा दुगुन चौगुन में बजा सकते हैं। अंतिम लय में उसका विस्तार कर अंतिम प्रकार लय में उसका हम विस्तार भी कर सकते हैं, परंतु जिन वादकों का लय व लयकारी पर प्रभुत्व होता है वो कायदे में अलग 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 लयकारी करके भी कायदा को प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपने पंडित सुभाष निर्वाण जी प्रस्तुत करते थे धा ते ट धा ते ट धा 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 ते ट धा ते ट धा धा ते ट धागे ती न के न धा ते ट धा धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धागे ती न के न। इसी प्रकार धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धागे दी न गी न धा ते ट धा ते ट धागे ती न के न ता ते ट। तो अलग अलग लयकारियों में अलग अलग हम जैसे मान लीजिए हमको खंड जाति का कोई कायदा बजाना है धा ती धा ते ट ता ती धा ते ट धा ते धा ते ट ता ते धा ते ट धा ती धा ते ट ता ती धा ती धा ते ट ता ती धा ते ट धा ती धा ते ट ता ती धा ते ट धा 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 ते धा ते ट धा ती धा ते ट। इस प्रकार से हम इसमें अलग अलग लयकारियां जो हमारी सामर्थ्य के अनुरूप हो, जो हम बजा सके, जिनको हम आसानी से हम उन लयकारियों का इसमें हम समावेश कायदों में के प्रस्तुतिकरण में कर सकते हैं। आजकल तरीका बदल गया है, बजाने के ढंग बदल गए हैं, तो हमारी जो अपनी कल्पना है उसके आधार पर हम उन कायदों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हम दिल्ली घराने के कायदे छोटे छोटे होते हैं, हम उसमें अलग अलग विभिन्न ढंग की लयकारियां प्रस्तुत करने का हमको मौका मिल जाता है तो हम बजा सकते हैं। चाहे वो धाती धागे नादा त्रिकट कायदा हो, चाहे धाती ते धाती ते धादा ते धागे तीना किन्ना कायदा हो, या धादा ते ते धादा तीना ताता ते ते धादा दीना धादा ते ते धादा तीना ताता ते ते धादा दीना। हम इसको विस्तार करने का जो इसको बजाने का तरीका है ना, वो हम उसमें जो कलाकारों ने दिग्गज कलाकारों ने जो किया है वो एक निश्चय ही है। बिड़ला छोटा सा कायदा है लेकिन इतनी हाथ की तैयारी चाहता है। इसको अगर हमने साध लिया तो शायद सारा ही तबला हमारा सद जाता है। दादा तिथि दादा तीना ताता तिथि दादा दीना, ये कायदा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कायदा है। उसको हम अलग अलग दर्जे प्रकार के यदि हम इसको बजाएं तो शायद इसको बजाना भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन विद्यार्थी इस चीज को समझते नहीं है। तो इनको प्रारंभिक स्तर पर इसको इस कायदे को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए और अपने डेली के अभ्यास क्रम में इस कायदे को हमको लाना चाहिए। चाहे हम किसी भी घराने के विद्यार्थी, विकास पद्धति हम उस घराने के अनुरूप कर सकते हैं। अजराना घराने के कायदे अजय भैया ने बहुत सारे बताए थे हमको। फरुखाबाद घराने में भी अलग अलग प्रकार के कायदे प्रचलन में है। दागे तक दिन दागे तक दिन दागे तिन दागे नदा त्रिकुटी दागे तिन दागे त्रिकुटी नकिन दागे तक दिन दागे तक दिन दागे तिन दागे नदा त्रिकुटी दागे तिन दागे तिन दिन दागे तिन गिड़ा हले दागे नगे दिगे तक दागे नगे दिगे तक तरी के तक तक दागे तक दिन गिड़ा नगे दागे तरी के दागे दागे तरी के दागे तरी के दागे तरी गिड़ा हले दागे नगे दिगे तक तरी के दागे नगे तरी के दागे तरी गिड़ा हले दागे नगे दिगे तक तरी के दागे तरी के दागे तरी के दागे तरी गिड़ा हले दागे दागे तरी के दागे नगे दिगे तक तरी के दागे तरी गिड़ा हले दागे नगे दिगे तक तरी के। इसी प्रकार गत कायदा भी हमारा प्रचलन में है। दा दिनक दिन तक दिनक दिन के नदा दिन 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 फरुखाबाद में इस तरीके के भी कायदे हमारे प्रचलन में है। दागिन नग दिन दिन गिन तक दिन दिन गिन दागिन नग दिन दिन गिन तक गिन तिन गिन तक दिन दिन गिन दागिन नग दिन दिन गिन। ये उस्ताद खान साहब का कायदा है बजाया हुआ। तो अलग अलग ढंग से कायदे जो चले आ रहे हैं अलग अलग घराने में दाते दि ति 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 कर दाते ति कटक दि कि गिन दिन गिन कटक 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 गि ति दि कि दाते दि कि गिन दिन कि नताते दि कि ति ति कर दाते दि कटक दि कि गिन कटक 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 गि ति दि कि दाते दि कि गिन दिन गिन। फरुखाबाद घराने का एक ये भी एक कायदा है, ये भी उस्ताद द्वारा रचित कायदा है। नत्थू खान साहब ने दिल्ली घराने में धाती दागे नादा तरीके धाती दागे नादा के तक इस तरीके के बोल समूह का भी प्रयोग किया।
तो ये अपनी घराने की निजी विशेषता, निजी शैली और उस पर डिपेंड करता है। इसके जो इसकी जो विस्तार प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से ही इसमें अपनी शैली के अनुरूप ही होती है। कई कई कायदे ऐसे होते हैं जिनका विस्तार ज्यादा संभव नहीं होता है, उनके तो बड़े बड़े उस्तादों ने भी चार चार छह छह पलटे बजा के छोड़ दिए। जैसे मैंने कई सारे रिकॉर्डिंग्स में उस्ताद अहमद जान के रखा था, सब कायदे कई सारे मैंने सुने, तो उसमें देखा कई जगह पे चार चार पलटे, किसी किसी कायदे को हमने दस दस बारह बारह पलटे से भी विस्तारित किया, पंद्रह पंद्रह पलटे से भी विस्तारित किया गया। तो ये कलाकार की अपनी सृजनशीलता अपनी सोच पर निर्भर करता है कि वो किस मूड में किस भाव से किस उससे तबला वादन को प्रस्तुत कर रहा है, उसी आधार पर कायदे का विस्तार किया जा सकता है। अतः तबला वादन में यदि कहें तो कायदा एक ऐसी रचना है जिसको सभी घरानों में सिखाया जाता है। कोई भी घराना आज की उसमें ऐसा प्रत्यक्ष में नहीं है जिस घराने में कायदे का विस्तार संभव नहीं हो और कायदा नहीं सिखाया जाता है। कायदा तो एक ऐसी रचना है जिसको बजाने से ही हमारा हाथ कायदे में आ जाता है और कायदा बजाने से हाथ कायदे में आने से ही हम आगे की बंदिशों की तरफ हम अपना रुख करते हैं। अगली जो बंदिश है इसमें अभी और बहुत सारी बातें हैं, इसमें मैंने काफी स्टडी किया, परंतु चूंकि समय कम है इतना सब इसमें आज के उसमें बोल पाना संभव नहीं है, तो जो भी कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं मैंने बता दी इसमें। और इस तबला वादन में अब दूसरा तीसरा जो मुख्य विषय है वो है रेला, है ना। रेला भी एक महत्वपूर्ण वादन प्रकार है। तबला वादन में कायदे की तरह ही इसका वादन होता है। इसके कर्ण वर्ण कर्ण प्रिय मधुर एवं द्रुत लय में बजने वाले होते हैं। धारा प्रभाव एवं विस्तार सहित वादन की जाने वाली यह एकमात्र ऐसी रचना है जिसके माध्यम से वादक की तैयारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एकल तबला वादन में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। साथ ही सितार, वायलिन, सरोद एवं बांसुरी जैसे वाद्यों की संगति में भी इसका वादन होता है। कभी कभी रेले को कायम कर उसी के अंतर्गत विविध टुकड़े, परण गत इत्यादि वादन प्रकारों का वादन भी किया जाता है। रेला वादन का यदि हम उद्गम देखें तो रेला पखावज वाद्य से तबला वादन परंपरा में आया, अर्थात रेला वादन संकल्पना आज भी पखावज वादन से प्रचलित है। इस संदर्भ में पंडित सुधीर मयंकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ऐसा लगता है कि पहले जमाने के तबला वादकों ने जो कुशलता से पखावज वादन भी करते रहे होंगे, इस संकल्पना का प्रयोग तबला वादन में सफलता से करना शुरू किया होगा। पखावज वादन की निकास शैली जोशपूर्ण और वजनदार होने के कारण पखावज के रेले भी जोशपूर्णता से बजाने का रिवाज है। लेकिन तबला वादन में एकल या संयुक्त रूप में उंगलियों का प्रयोग किए जाने के कारण तथा उचित निकास के साथ रियाज करने के कारण रेला वादन क्रिया की गति शीघ्रतम करना आसानी से संभव होने लगा होगा। इसी गतिमानता के अलावा एक और बात तबले के रेला वादन में दिखाई देती है, वह कोमलतापूर्ण तथा नजाकत भरा निकास। रेले का हम शाब्दिक अर्थ और व्याख्या यदि देखें तो रेला शब्द रचना की कमाल गतिमानता को बताता है। नदी के पानी का प्रवाह जब प्रचंड वेग से बहता है तब उस प्रवाह को हम रेला कहते हैं। तबला बजाने की एक रीति जिसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के हल्के तथा मधुर बोल बजाए जाते हैं, इस ऐसा मानक हिंदी शब्दकोश में लिखा हुआ है। बृहद हिंदी शब्दकोश और नालंदा विशाल हिंदी शब्द सागर में महीन और सुंदर बोलों को बजाने की रीति को हम बजाने की रीति तो इसको हम रेले से जोड़े तो हम कह सकते हैं विभिन्न शब्द कोशों में रेला शब्द को तबले से संबंधित उपरोक्त अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि रेले का अभिप्राय प्रवाह से है। अतः प्रचलित भाव के आधार पर ही इसका प्रयोग किया गया होगा। इसी कारण इस रीति को महीन व हल्के शब्दों में संजोया गया होगा जिनका अभिप्राय तबला वादन में द्रुत लय के प्रवाह किसे में बजाए जाने वाले बोलों से लिया जा सकता है। यही इसके नामकरण का आधार है। इसकी हम व्याख्या करें तो रेला वह रचना है जिसमें बोल समूह का पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, प्रत्येक दो मात्राओं के बीच के फासले में स्वर के आगे अधिकाधिक व्यंजन हो, द्रुत लय में बजने के कारण जो रव निर्माण करने वाला हो और जिस लौट लौट
तथा कायदे जैसा विस्तार किया जाता हो ऐसा पंडित सुधीर मायकर जी ने अपनी पुस्तक में रेले को परिवर्तित किया है। अति द्रुत में बजाए जाने वाले हो जैसे द्रुत ध्वनि होती रहे उसको भी रेला कहा जाता है। किसी बोल समूह को भिन्न भिन्न प्रकार से सीमित विस्तार के साथ धारा प्रभाव बजाना इस कृत्य को भी हम रेला कहते हैं। ये परिभाषाएं विभिन्न पुस्तकों में दी हुई है जिसको अलग अलग में नाम लिख के नहीं बता रही क्योंकि समय की कमी है। रेले की रचना कायदे की भांति ताल की ताली खाली पर आधारित होती है। यद्यपि रेला विस्तारशील रचना है तथापि उसमें प्रयुक्त वर्ण की विविधता कायदों में कम पाई जाती है। कायदा एक पूर्ण वाक्य विचार है जबकि रेला एक सूत्र रूप मात्र है। विशेषताएं उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हम इन व्याख्याओं के आधार पर जो रेले में जो हमें विशेषताएं दिखाई देती हैं तो उनको हम इस प्रकार कह सकते हैं। रेले के निर्माण में प्रयुक्त बोल ऐसे होने चाहिए जिन्हें द्रुत लय में आसानी से बजाया जा सके। मूल लय अपनी सुविधा व क्रम के अनुसार निश्चित की जा सकती है। रेला विस्तार योग्य वादन प्रकार है। कायदे की भांति रेले के भी बल या पलटे बनते हैं जो उसके प्रारंभिक पंक्तियों में प्रयुक्त वर्णों से ही बनाए जाते हैं उसकी समाप्ति त्याई से होती है। रेले के विस्तार में उसके पलटे बजाते समय उसके प्रवाही गुण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधारणतः रेले में जाति बदल नहीं होता है अर्थात उसका प्रस्तुतिकरण एक ही जाति में होता है। प्रायः रेले चतुस्थ जाति में ही बजाए जाते हैं। रेले की रचना में धाति धागे तीना कीने या धागे तृक्त तीना कीने जैसे कायदों के वर्ण समूह का प्रयोग तो नहीं होता लेकिन दातरी तक इत्यादि बोल समूह का रेले में प्रयोग मिलता है। रेले में वादक अपने सृजनशीलता का प्रदर्शन अधिक स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। यद्यपि कायदे के समान ताली खाली दर्शाता हुआ विस्तार इसमें भी होता है परंतु द्रुत लय में तैयारी के साथ साथ सम को लक्ष्य बनाकर हम रेले के कुछ बोलों को बिना विस्तार किए धारा प्रभाव में एक साथ भी बजा सकते हैं। रेला बजाते समय निरंतर गूंज उत्पन्न होती रहनी चाहिए साथ ही नाद का क्रम ना टूटे इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। रेले का प्रयोग स्वतंत्र वादन तथा साथ संगति हम दोनों में ही करते हैं। रेले का वादन तबला वादन के सभी घरानों में किया जाता है। प्रत्येक शैली में वर्णों व बोलों की प्राथमिकता व निकास के आधार पर रेले की रचनाओं की निर्मित होती है। जैसे दिल्ली घराना में दा तरीकेट तक दिन तरीकेट तक तक तरीकेट तक दिल तरीकेट तक दा तरीकेट तक दिन तरीकेट तक तक ये भी बजा सकते हैं। दा तरीकेट तक तरीकेट धाती दा तरीकेट तक दा तरीकेट तक दा तरीकेट तक तरीकेट तक दा तरीकेट तक दा तक धा धा तरीकेट तक धा एक रेला ये भी है दिल्ली घराने का। ये भी रेला है और पूरब अंग के रेले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। धा गिरनक दिर 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 गिरनक दिर दिर गिरनक तीना गिरनक ता गिरनक दिर 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 गिरनक दिर दिर गिरनक तीना गिरनक एक रेला कायदा दिन गिरनक तक गिरान दिन गिरनक दिन गिरनक इसको किसी किसी पुस्तक में कायदा भी कहा गया है। कई कई इसको रेला भी के रूप में भी कहा गया है। ऐसे ही एक खासा का दादरी 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 तीना गिरनक दादरी 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 गिरनक दिन एक इस तरीके का रेले का भी हमको जो खासा का है उसको कायदा भी कई कई माइनकर जी ने अपनी पुस्तक में बोला है और इसको रेले का भी कई कई स्थान पर जिक्र हमको देखने को मिलता है। अलग अलग रेले के प्रकार अलग अलग घरानों में प्रचलन में है जिसका वादन कलाकार अपनी शैली के अनुसार करता है। पूरब बाज के उपरोक्त रेले में हल्की सी घसीट का भी हमको प्रयोग देखने को मिलता है। तीन धा वर्ण का अलग अलग प्रकार से भी उसमें डेढ़ धा का इस तरीके का प्रयोग भी करने को मिलता है। ये रचनाकार की कल्पना शक्ति के आधार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार रेले के हम देख सकते हैं दो प्रकार होते हैं। पहला स्वतंत्र रेला जो प्रमुखता पखावज की रचना है। दूसरा कायदे से निर्मित रेला यह तबला वादन में कायदे के समान बजाया जाता है। रेला वादन में निकास एवं हम सौंदर्य देखें तो रेले की बंदिश में प्रयुक्त वर्णों को स्पष्टता एवं मूल निकास अथवा वादन तकनीकी के साथ द्रुत लय में कलात्मकता के साथ बजाना वादक कलाकार की तालीम एवं रियाज का परिचायक होता है। रेले में प्रयुक्त बोलों को जब द्रुत गति में धारा प्रभाव बजाया जाता है तब कहीं कहीं वादन तकनीकी में भी परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे तिरकिट तक जब हम बोल बजाते हैं तो इसमें का ये तो इसमें हम वर्ण जो उसको बाएं पर भी बजा सकते हैं तो टेक्निक हमको उसकी प्रभाव के अनुसार धारा प्रभाव जब हम बजाते हैं उसके अनुरूप हमको बदलनी पड़ती है।
शीघ्र गति में उन दोनों अक्षरों को की के बदलने से गेंद भी बजाया जाता है। ऐसा परिवर्तन वादन में स्वर में गूंज निर्माण हेतु किया जाता है। वादन तकनीकी से संबंधित यह सभी ज्ञान गुरु सानिध्य में तालीम एवं मार्गदर्शन से ही प्राप्त होता है। उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, उस्ताद अहमद जान फिरकवा खान साहब जैसे दिग्गज तबला वादक रेला वादन इस ढंग से करते थे कि बाएं की गूंज निरंतर तबले पर बनी रहती थी और तबले की जो अस्पष्ट गूंज का भी मिलन उसमें होता रहता था। तबला वाद्य के लिए समर्पित इन तबला वादकों का रेला बार बार सुनने पर इस बात की अनुभूति कराता है कि स्वर में गूंज सातत्य नामक सौंदर्य तत्व की प्रतीति रेला वादन से ही होती है। तबला वादन कला का सौंदर्य तबले में अभिप्रेत वाणी से ही होता है। रेला वादन में वह सौंदर्य देखने को मिलता है जिसमें कलाकार की सृजनशीलता, गुरु का सानिध्य, वाणी युक्त बंदिशों का निकास एवं समर्पित भाव से किया गया रियाज ही वादक कलाकार को सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति कराता है। अतः तबला वादन का यही में रेला महत्वपूर्ण है। तबला वादन में यदि हम कहें तो विस्तार क्षम रचनाओं में कायदा पेशकार कायदा रेला तीनों ही महत्वपूर्ण वादन प्रकार हैं। तीनों ही बंदिश को बजाते समय स्वतंत्र वादन प्रस्तुत करते समय एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनसे तीनों से ही हमको स्पष्ट हमारा दृष्टिगत हमारे हाथ की तैयारी हमारे सूझबूझ है ना हमारी लय पर पकड़ ये सब चीजें हमको इस तीनों ही रचनाओं में देखने को मिलती है। इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी। आपने तबले की अविस्तारशील रचनाओं की परिभाषाओं का बहुत सुंदर संकलन बड़े बड़े विद्वानों द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं और घरानों में पेशकार का स्वरूप कैसा होता है, कायदों का स्वरूप कैसा होता है और रेलों का स्वरूप कैसा होता है, इसका विस्तार से आपने बहुत सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया और ये व्याख्यान विद्यार्थी हमेशा सुनते रहेंगे क्योंकि किसी भी वादन प्रकार की परिभाषा किसी एक पुस्तक से याद कर लेना वो पर्याप्त नहीं होती है। तो आपका ये व्याख्यान बहुत ही सारगर्भित रहा। मैं हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ को वो आके आपके सम्मान पत्र का वाचन करें और आपको सम्मानित करें। प्रोफेसर संगीता सिंह आदरणीय दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें दीदी। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। आपने बहुत सुंदर और विस्तृत ढंग से इतना सुंदर व्याख्यान किया जो हमारे हमेशा ही ये फेसबुक यूट्यूब में हमेशा विद्यार्थी बहुत लाभ उठाएंगे और इस वाद्य विभाग की ओर से मैं आपके प्रति सम्मान पत्र पढ़ना चाहूंगी, इसे स्वीकार करें। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा 28 जून से 8 जुलाई 2020 तक आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यान माला में प्रोफेसर नीलू शर्मा ने अपने उत्कृष्ट ज्ञान व वक्तव्य से संगीत जिज्ञासुओं को अवसिंचित किया। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। साथ ही मैं इस व्याख्यान में जुड़े जितने भी गुरुजन हैं मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है इसके बाद हमारे बांसुरी का व्याख्यान माला आयोजित होगा। समय बहुत कम है फिर भी मैं जितने भी आमंत्रित हमारे जितने विद्वान आमंत्रित हैं मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार पुनः मैं नाम लेना चाहूंगी। पंडित पद्मश्री प्रोफेसर यल्ला वेंकटेश राव के प्रति वाद्य विभाग बहुत ही कृतज्ञ है। पंडित विजय शंकर मिश्रा जी के प्रति वाद्य विभाग बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता है। पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी के प्रति वाद्य विभाग बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता है। पंडित रविनाथ मिश्र जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रोफेसर अजय अष्टपुत्रे जी के प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रोफेसर
गौरांग भाव सागर जी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। पंडित मनोज मिश्रा जी के प्रति मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। पंडित पार्थ चक्रवर्ती जी के प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। पंडित संदीप बोस जी जिनका कल हमने सुना, बहुत ही मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अभी हमने विदुषी रानी शर्मा जी को सुना, बहुत ज्ञान मुझे बहुत मिला और मैं चाहूंगी अपने संकाय प्रमुख से कि मेरे इंस्ट्रूमेंटल के लिए विशेष रूप से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इसी मंच से कि आपकी व्याख्यान माला मैं जरूर ये ताल से संबंधित आयोजित करूंगी। मैं हृदय से आपकी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर वसुधा सक्सेना जी के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर रेणु जौहरी जी के प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर इंदु शर्मा जी के प्रति भी मैं बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर अमित वर्मा जी के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रोफेसर किरण देश पांडे जी जो बीमार थे नहीं आ पाए, आगे के लिए मैं चाहूंगी कि उनका भी व्याख्यान हो और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा हृदय मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे संकाय प्रमुख जो जिनके निर्देशन में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, मैं उनके प्रति भी बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे वरिष्ठ जितने भी इससे जुड़े हुए हैं और हमारा इससे बहुत इससे उत्साह मिल रहा है, वो इसके प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष भी सभी जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और मैं अंत में मैं प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना बड़ा आयोजन किया है आपने। और हम लोगों का सच में ये कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों को समृद्ध करें, उनकी श्री वृद्धि हो, वो बहुत योग बने और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का और देश का बहुत नाम करे। इसी के साथ मैं मंच मैं प्रवीण उद्धव जी को देती हूँ को अगला संचालन वो करें, और साथ ही कहीं भूल चुक हूँ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने सभी विषय विशेषज्ञों के नाम ले लिए हैं। मैं अपना नाम रिपीट नहीं करूंगा। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं सबका। पंडित रविनाथ मिश्रा जी का नाम शायद मुझे लगता है छुटा हुआ था, मैं पंडित रविनाथ मिश्रा जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी, प्रोफेसर संगीता पंडित, प्रोफेसर के शशि कुमार जी, डॉक्टर विधि नागर जी, डॉक्टर सुप्रिया शाह जी और डॉक्टर स्वर्णा कुटिया जी, जिन्होंने समय समय पर हम लोगों का व्याख्यान माला में आकर हमारे व्याख्यान माला को गौरवान्वित किया है। मैं उनको भी प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विशेष अतिथि प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी, प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी, पंडित महेंद्र प्रसाद शर्मा जी, पंडित अच्युतराम भंडारी जी, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, डॉक्टर जय सेवक जी, डॉक्टर राहुल स्वर्णकार जी, डॉक्टर मनीष करवड़े जी, डॉक्टर वेणु अनिता सहित कई लोगों के नाम में भूल रहा होगा तो मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि मुझे क्योंकि अब दूसरा व्याख्यान माला जल्दी से शुरू होने वाली है, तो मैं सभी का बहुत हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि ये 11 दिन तक हमारे साथ सब लगातार जुड़े और हम लोगों ने तबले के कोई विषय ऐसा थोड़ा नहीं था जिसको हमने इसमें शामिल नहीं किया हो। आज का व्याख्यान माला भी बहुत महत्वपूर्ण था, विस्तारशील बंदिशों की बातें हुई और हमारी डॉक्टर ब्रजरानी शर्मा जी ने इतना सुंदर लय लयकारी को बोलने की जो तकनीक बताई और बहुत सारे समस्याओं पे और उसके निराकरण पे अपने विचार व्यक्त किए, मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ सबका। पुनः इसी आशा के साथ हम ये तबला ये लयताल प्रज्ञा प्रवाह की व्याख्यान माला को यही समापन कर रहे हैं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे और ये व्याख्यान माला ये विचार जो यज्ञ है ये चलता रहेगा। और मैं इसी मंच से हमारे पंडित नित्यानंद हल्दीपुरकर जी और पंडित प्रहलाद नाथ जी जुड़ गए हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी हमारे व्याख्यान माला में शामिल हुए। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम पंडित जी आपको,
माफी चाहते हैं थोड़ा सा समय ले लिए हम आपका, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यही ये लयताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यानमाला यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से आभार।